चलिए जी गुड इवनिंग शुभ संध्या राधे राधे जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों स्वाग एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई गोलू पूनम गोविंद सोनू बहुत बहुत स्वागत है निशु प्रीति कुमारी सोनी बहुत बहुत स्वागत है भाई विक्की आहाना पूनम अंकित बहुत बहुत स्वागत है चलिए जी तो सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से दिल से सेशन को लाइक like जरूर कर दीजिएगा और अपने अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा हो जाइए तैयार क्योंकि होने वाली है ज्ञान की बौछार ये रहा आज का पहला सवाल जय बिहार धुआंधार तो बताएंगे भैया गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की थी लो भाई तो पहला ही प्रश्न ऐसा है कि मजा ही आ जाएगा तो साथियों सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी के द्वारा ये जो सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया था ना इसको और किस नाम से जाना जाता है तो साथियों इसको साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है और आप जानते हैं ये कहां पर था अहमदाबाद में था कहां पर भैया अहमदाबाद में तभी तो कहते हैं कि साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल 1915 1915 में अब जरा ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी के द्वारा जो पहला आश्रम स्थापित किया गया था उसका नाम क्या था क्या था और तो इसका नाम था और आपको बता दें कि कहां पर थे दो के दोनों ही साउथ अफ्रीका में थे क्लियर बात है ना चलिए इसका आंसर बताइएगा सभी लोग तो भाई गोलू गोविंद सुधांशु मैजिक अशोक रंजीत सुचिता पूजा सपना बताएंगे। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी जरा ध्यान दीजिएगा कि साथियों इस अधिवेशन के अध्यक्ष इस अधिवेशन के अध्यक्ष तो कौन थे भैया इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस कौन इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे लेकिन एक चीज का और ध्यान दीजिएगा कि इसी में नेशनल प्लानिंग कमीशन मतलब राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया किया गया गया था और राष्ट्रीय राष्ट्रीय योजना योजना समिति समिति का का जो यहां पर गठन गठन कई बार पूछा जाता है कि कब हुआ उन्नीस के इसी अधिवेशन में हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष थे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे क्लियर बात है ना तो एकदम को याद रखनी है, चलिए इसका आंसर चौरी चौरा कांड हाँ। चौरी चौरा कांड की वास्तविक घटना याद करिए साथियों असहयोग आंदोलन के स्थगन का कारण असहयोग आंदोलन के स्थगन का कारण क्या था ठीक है ना स्थगन का कारण यही तो था कि का कारण कहने का तात्पर्य यह है कि गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था इसको चौरी चौरा कांड जो कि 5 फरवरी फरवरी 1922 1922 को हुआ इसी चौरी चौरा कांड के कारण स्थगित किया किया गया गया लेकिन कब 12 कई लोगों को यहां पर कई लोग यहां पर गलती कर देते हैं कि अगर आपसे कहता है कि असहयोग आंदोलन किसकी वजह से स्थगित किया गया तो चौरी चौरा कांड की वजह से चौरी चौरा कांड कब हुआ तो पांच फरवरी 1922 को लेकिन ध्यान यह भी रखिएगा कि इस चोरी चोरा कांड की वजह से वास्तव में असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया था 12 फरवरी को क्यों भैया क्योंकि 12 फरवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है साथियों कहां पर बारदोली में होती है कहां पर होती है बारदोली में बैठक होती है बारदोली गुजरात में और यहीं पर निर्णय लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए क्योंकि गांधी जी को लगता था कि यह हिंसा की ओर अब जा रहा है क्या कहा जा रहा है हिंसा की ओर जा रहा है अब मेरा एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि कुछ किताबें ऐसी हैं जहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया है चार फरवरी 1922 दिया गया है तो सामान्यतः मेरा यह मानना है कि चार और पांच फरवरी दोनों एक साथ विकल्प में नहीं देना चाहिए क्योंकि है ना कुछ जगहों पर चार फरवरी भी सही है तो ऐसे में अगर दोनों विकल्प में होता है तो है ना यह विवादास्पद क्वेश्चन हो जाता है चलिए साथियों।, साथियों पंच सिद्धांतिका नाम की किताब लिखी और बहुत बेहतरीन किताब है आप देखेंगे कि भाई वराम खगोल शास्त्री होने के साथ साथ गणितज्ञ भी थे मैथमेटिशियन भी थे ठीक है ना तो याद रखिएगा कि यह गणितज्ञ भी थे और बराम कौन थे नवरत्नों में से एक थे किसके नवरत्नों में से एक थे अकबर के नवरत्नों की बात तो यहां नहीं हो रही है यहां पर बात हो रही है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की किसकी साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की बात यहां पर मैं कर रहा हूं ठीक है ना चलिए इसका आंसर बताइएगा निम्नलिखित में से कौन देश के नाम से जाना जाता है भाई अरुंधति सनोज अंकित प्रिया बसंत पंकज बादल फरमान क्या बात है बताओगे भैया जोरदार ताल ठोक के तो राइट आंसर क्या होगा देश बंधु चितरंजन दास को कहते हैं लेकिन साथियों अगर हम कहें आपसे क्या कि लोक नायक किसे कहा जाता है तब आप क्या बता रहे होंगे तो साथियों लोक नायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को जयप्रकाश नारायण को साथियों और ध्यान दीजिए कि देश नायक किसे कहा जाता है देश नायक किसे कहा जाता है तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है और ध्यान रखिएगा कि ये जो देश नायक कहा गया था ये किसने कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था देश नायक कहा था जब सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वर्ष उन्नीस में कहां पर हरिपुरा में कहां पर हरिपुरा में तो चलिए इसका आंसर बताइएगा वायुमंडल की उस परत का नाम बताना है आपको जहां पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं जहां पर मौसम संबंधी घटनाएं है, तो साथियों इसको क्या कहते हैं क्षोभ मंडल कहते हैं हम सब जानते हैं कि साथियों लगभग 18 किलोमीटर की हाइट तक क्या है क्षोभ मंडल है ठीक है ना और उसके बाद लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक क्या है तो भैया ये समताप मंडल है और लगभग 80 किलोमीटर की हाइट तक यहां पर क्या है भैया तो ये है आपका मध्य मंडल है और उसके बाद लगभग 600 किलोमीटर की हाइट तक क्या है ये ये है आपका आयन मंडल और उसके ऊपर क्या है बहिर्मंडल है तो आप देख सकते हैं कि वायुमंडली घटनाएं मौसम संबंधी घटनाएं सबसे ज्यादा घनत्व ग्रीन हाउस प्रभाव ये की घटना है समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है ठीक है ठीक और साथ में ताप समान होता है और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं और साथ में जो वायुयान उड़ते हैं वो भी समताप मंडल में उड़ते हैं ठीक है ना तो ये चीज समझ के रखनी है मध्यमंडल में उल्का पिंडों का नाश होता है आयन मंडल में रेडियो तरंगे आयन मंडल से ही रेडियो तरंगे टकराकर वापस धरती पर आती हैं और जितने भी कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं याद रखिएगा कृत्रिम उपग्रह कहां स्थापित किए जाते हैं तो बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं इनको गांठ बांध कर नोट ले कर लो और हां पेपर में देखना क्वेश्चन की बारिश होगी और आप जरूर उसमें भीगेंगे क्यों चलिए ये बताइए फिर आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक नदी है जो रिफ्ट घाटी में बहती है आपको बता दें कि भारत में रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियों में एक नदी कौन सी है एक नदी है साथियों नर्मदा नर्मदा देखो रिफ्ट घाटी का मतलब समझ रहे हो रिफ्ट घाटी मतलब को हम हिंदी में कह सकते हैं क्या भ्रंश घाटी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं भ्रंश घाटी भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है कि पहाड़ों के बीच में पहाड़ों के बीच से बहने वाली नदी पहाड़ों के बीच से बहने वाली नदी बात समझ रहा हूं ना तो पहाड़ों के बीच से बहने वाली नदी को क्या कहा जाता है कि भ्रंश घाटी में नदी बह रही है जैसे नर्मदा नदी किन दो पहाड़ों के बीच में बहती है तो साथियों विंध्य पर्वत कौन सा विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच में बह रही है बह रही है कि नहीं इसी प्रकार से एक है साथियों तापी या तापती नदी तो तापी या ताप्ती नदी किसके किसके बीच में बह रही है तो ये साथियों बह रही है कहां पर सतपुड़ा सतपुड़ा और किसके अजंता पहाड़ी के बीच में कौन सी अजंता पहाड़ी के बीच में और तीसरी कौन सी है साथियों दामोदर नदी है और दामोदर नदी कहां बहती है भैया तो यह बहती है छोटा नागपुर के पठार पर तो छोटा नागपुर का पठारी जो क्षेत्र है ठीक है ना हाँ छोटा नागपुर का पठार यहां पर जो पठारी क्षेत्र है पर भी उच्चावच है तो वहीं पर ये आपको मिल जाएगी ठीक है ना एकदम याद रहेगा भूलेगा तो नहीं कोई तो चलिए इसी प्रकार से जोरदार तरीके से बताएंगे आंसर जय बिहार धुआंधार चलो बताओ निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं तीन देशों से स्पष्ट होती हैं तीन देशों से स्पर्श होती हैं तो बताएंगे भैया तो देखो ऐसा है कि अगर आप देखोगे ध्यान से अगर आप ध्यान से देखो तो भैया इसका आंसर क्या होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा आसाम आइए जरा मैप से दिखाते हैं तो साथियों सबसे पहले तो आप देखो कि यहां पर यह अरुणाचल प्रदेश है ये क्या है यह अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हो क्या है भैया यह है अरुणाचल प्रदेश अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा अगर देखी जाए तो इधर इधर की की तरफ तरफ क्या है इधर की तरफ आपको मिल जाएगा म्यांमार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इधर की तरफ क्या मिल जाएगा चीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा और इधर की तरफ यहां क्या मिलेगा यहां मिल जाएगा भूटान मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका मतलब कि अरुणाचल प्रदेश भी तीन ओर से विदेशी है ना किसी देश से घिरा हुआ है इसी प्रकार से आप जरा ध्यान दीजिए तो यहां पर कौन सा राज्य है भैया राज्य है साथियों त्रिपुरा यह राज्य कौन सा है यह राज्य है त्रिपुरा और यह जो त्रिपुरा राज्य है जरा इसके बारे में भी गौर करिएगा ठीक है ना जरा इसके बारे में भी गौर करिएगा कि यहां आप देखोगे तो भैया ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है किससे सॉरी तीन तरफ से किधर से घिरा है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है और बांग्लादेश के साथ लगी हुई इसकी बॉर्डर को जीरो लाइन कहा जाता है है तो क्या पूछ रहा है कि जिसके अंतरराष्ट्रीय सीमाएं तीन देशों से मिलती हैं तो राइट आंसर इसका क्या होगा अरुणाचल प्रदेश होगा ठीक है ना अगर कहता कि तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं ठीक है वैसे तो है ना अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा तीनों की क्या है भैया तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये नहीं पूछा है क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं है या नहीं कह रहा है कि तीन देशों से मिलती हैं तो तीन देशों से तो अरुणाचल प्रदेश की ही मिलती है है ना चलो ये बताओ जरा है ना या तो फिर या तो फिर एक और राज्य है जिसकी तीन देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं कौन सी है भैया ये देखिएगा यहां पर त्रिपुरा देख रहे हो ये त्रिपुरा देख रहे हो सॉरी सिक्किम तो ये जो सिक्किम है सिक्किम की सीमा इधर किससे लगती है तो इधर लगती है नेपाल के साथ किसके साथ नेपाल के साथ लगती है और इधर किसके साथ लगती है भूटान के साथ और ऊपर की तरफ किसके साथ लगती है चीन या तिब्बत के साथ बात समझ रहे हो ना ठीक है चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें इसका आंसर बताओ चलो जोरदार तरीके से आंसर आने चाहिए और क्वेश्चन का लेवल ऐसा जो पेपर में फंसे ठीक है ना पेपर जैसा चलिए पेरिस जलवायु समझौता साथियों याद करिए कि सीओपी आपको याद है जो कि 2015 में हुआ था 2015 में सीओपी ट्वेंटी वन का आयोजन पेरिस में हुआ था कहां पर पेरिस में यहां पर जो पेरिस पर्यावरण समझौता हुआ था यह 4 नवंबर 2016 को लागू बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन इसी दौरान इसी दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी क्या इसी दौरान किसके भाई इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब ये इसको हम कह सकते हैं क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस के गठन की घोषणा की गई थी यहां पर गठन की घोषणा भी यहां पर हुई थी और याद करिए ये क्या है तो ये साथियों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये क्या है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है कि नहीं है ये ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है ना अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है ठीक है ना है ना तो बिल्कुल आपको याद रखना है और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है गुरुग्राम में है कहां पर है गुरुग्राम हरियाणा में है गुरुग्राम हरियाणा में है और सुनो ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी तो ये घोषणा संयुक्त रूप से भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी किसने की थी भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी याद रहेगा ना अच्छा बाकी आप जानते हो कि सीओपी क्या है COP क्या है, है है? ना? COP मतलब किसकी? की, United Framework Convention on Climate Change की, की जो ठीक में साइन हुआ। बोलो याद रखोगे कि भूल जाओगे। हाँ जी, पुस्तक के लेखक कौन है भाई? संध्या जी बताइए वेटिंग फॉर वीजा जो बुक है इट वॉज रिटन बाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इट वॉज रिटन बाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बताइए फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा साथियों सबसे पहले तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि फीफा की स्थापना हुई कब थी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है तो फीफा की स्थापना वर्ष 1904 में पेरिस में हुई थी पहली बात तो यह ध्यान में रखो लेकिन अगली बात यह ध्यान में रखो कि हेड ऑफिस इसका कहां पर है तो याद रहे कि इसका जो हेड ऑफिस है फीफा का वो कहां पर स्थित है जूरिक में स्थित है अब यह बताओ कि ज्यूरिक कहां पड़ता है तो ज्यूरिक पड़ता है स्विट्जरलैंड में कहा पड़ता है स्विट्जरलैंड में पड़ता है तो भाई साहब दो में जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा वर्ल्ड कप ये कहां पर हुआ था तो कतर 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 अच्छा कतर की राजधानी क्या है तो कतर की राजधानी दोहा में हुआ था कतर की राजधानी दोहा में कतर की राजधानी दोहा में ये हुआ था तो किसने जीता था फ्रांस ने है ना किसने uh, किसने सॉरी जीता था अर्जेंटीना अर्जेंटीना ने ने जीता 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 था जीता था था किसने और किसको हराया था तो याद रखिएगा कि फ्रांस को हराया था किसको हराया था फ्रांस को हराया था और तीसरे नंबर पर कौन रहा था तो तीसरे नंबर पर क्रोएशिया रहा था कौन रहा था माइक्रो एशिया रहा था अब आपको यह भी बता दें कि फ्रांस 2018 का विजेता है जी हाँ तो 2018 में जब हुआ था ठीक है 2018 का विजेता तो 2018 का विजेता है 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका विजेता फ्रांस था और 2018 में फ्रांस ने किसे हराया था 2018 में फ्रांस ने किसे हराया था तो भैया 2018 में फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था ये वही क्रोएशिया है है ना ये वही क्रोएशिया है जो इस बार आप देख रहे हैं कहां पर है तीसरी पोजीशन पर है और यह वही क्रोएशिया है जो यूरो को मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला यूरो को मुद्रा स्वीकार करने वाला है ना दुनिया का बीसवां देश है यूरोपियन यूनियन का बीसवां देश है बोलो याद रहेगा ना सॉरी तो यूरो को मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला क्रोएशिया एशिया बीसवा देश है तो पूरी बात क्लियर हुई स्पष्ट रूप से अच्छा अब एक बात और जानो ना कि अगला 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा तो अमेरिका प्लस कनाडा प्लस 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 मैक्सिको प्लस मैक्सिको क्लियर बात समझ में आई तो उत्तर अमेरिका में होने जा रहा है ठीक है ना हाँ, तो पूरी बात समझ के चलेंगे ठीक है ना चलिए अच्छा आज लाइक वाइक करने में कुछ कंजूसी दिखा रहे हो कोई गलती हो गई है क्या हमसे कोई गलती हो गई है तो बताओ यार चलो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद साथियों गुलाम नबी आजाद के द्वारा हाल ही में आत्मकथा अपनी लिखी गई और इसका नाम इन्होंने क्या रखा है आजाद क्या रखा है आजाद रखा है भाई साक्षी जी ये बताइए भाई सरिता जी काला घोडा कला महोत्सव क्या बात है कई बार पूछा गया है भाई साहब है ना कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और काला घोडा कला महोत्सव कहां पर होता है मुंबई में होता है है ना इसका मतलब कहां पर होता है महाराष्ट्र में होता है बिहार की बात करें तो जैसे छठ पर्व बहुत फेमस है वैसे ये भी वहां पर बहुत फेमस है ठीक है ना चलिए ये बताइएगा जरा वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किसने जीता है साथियों तो वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब हम सब जानते हैं अच्छा आईपीएल को शुरू कराने का श्रेय या यूं कहिए कि आईपीएल का जनक किसे कहते हैं तो आप क्या बताते हैं है ना भैया चलिए जरा फटाफट बताइएगा कि आईपीएल शुरू कराने का श्रेय किसे जाता है क्या नाम था इनका चलिए फटाफट और याद करिए आईपीएल पहला आईपीएल कब हुआ था तो साथियों पहला आईपीएल हुआ था 2008 में कब हुआ था 2008 में हुआ था या 2007 में हुआ था कब हुआ था चला कमेंट करके बताओ जरा जोरदार तरीके से वैसे यहां पर पूरी जानकारी मैं लेकर आया हूं ये आपको जब पीडीएफ प्राप्त होगा तो और स्पष्टता से दिखेगा 2008 में पहला आईपीएल जब हुआ था तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर ठीक है ना जो कि मुंबई में फाइनल हुआ था लेकिन अगर हम बात करते हैं 2023 की तो भैया किसने जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार किसको हराया है तो भैया गुजरात टाइटंस को हराया और गुजरात टाइटंस साथियों याद करिए गुजरात टाइटंस पिछली बार का विजेता है 2022 का विजेता है तो ठीक है ना तो 2022 में गुजरात टाइटंस ने और याद रहे कि सबसे ज्यादा बार आईपीएल किसने जीता है तो सीएसके और मुंबई दोनों का बराबर हो गया पांच बार मुंबई पांच बार सीएसके ठीक है ना अच्छा पहला वाला जो आईपीएल हुआ था उसको राजस्थान रॉयल्स ने जीता था ठीक है भाई बादल ये बताइए भाई अरे यादव जी बताइए वन्यजीव सन्न संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार अब यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ कि भारतीय वन अधिनियम कब पास हुआ था तो क्या बताओगे भारतीय वन अधिनियम कब पास हुआ था तो क्या बताओगे चलो फटाफट कमेंट कर दो और इसी प्रकार से ये बता दो कि अगर हम आपसे कहें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था तब क्या बताओगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था तो क्या बताओगे अगर हम आपसे कहें कि चलो बता दो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था तब क्या बताओगे अच्छा अगर हम आपसे कहें कि बता दो कि वन संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था तो क्या बताओगे चलो अच्छा अब साथ में एक बार और लगे हाथ बता दो जैव विविधता अधिनियम कब पास हुआ था ये भी बता दो है ना जैव विविधता अधिनियम कब पास हुआ था ये भी बता दो अच्छा चलो है ना ये बता दो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट कब पास हुआ था यही बता दो कम से कम हाँ जी बताओ जरा तो जोरदार तरीके से वैसे राइट आंसर क्या है इसका आलिया मीर क्या है भैया आलिया मीर इसका राइट आंसर है अब जरा इसका आंसर बताइएगा तो भारतीय वन अधिनियम नाइनटीन ठीक है ना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम नाइनटीन ठीक है ना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नाइनटीन ठीक है ना वन संरक्षण अधिनियम 1980 ठीक है ना जैव विविधता अधिनियम 2002 और एनजीटी एक्ट 2010 बोलो याद रखोगे है ना याद तो रखना पड़ेगा अब सुनो एक बात और कि ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आप यहां पर देख रहे हो इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को और हम क्या कहते हैं तो इसे छाता विधान भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको इसी को छाता विधान भी कहा जाता है ठीक है ना तो बोलो है हाँ ना ये पूरा आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एग्जाम में ये क्वेश्चन भर भर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसके लिए तैयार रहना है और मजा आए तो सेशन को लाइक करके अपनी खुशी जरूर जाहिर करें क्यों यादव जी काहे नाराज हो रहे हो यार <laughs> ये बताओ जरा पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात वन पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात वन कहां पर हुआ है पता है ये अजमेर में हुआ है अजमेर आप जानते हो कि अजमेर कहां पर है

क्योंकि 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे याद करो तो गणतंत्र दिवस पर हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो आखिर यही तो थे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे कि नहीं थे और दूसरी बात 2024 में किसे आमंत्रित किया गया है तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को तो अभी न्यौता भेजा गया है अब देखते हैं कि वह न्यौता स्वीकार करते हैं कि नहीं जो बाइडन ठीक है ना चलिए यह बताया जा रहा तो हाँ ये बताओ भैया बिल्कुल भाई विवेक एकदम ठीक रहेगा ये बताओ आईआईटी दिल्ली का कैंपस क्या बात है भैया एकदम मजा आ गया मतलब भारत का नाम है ना भारत का नाम होगा रोशन एक दिन तो भाई साहब आईआईटी दिल्ली जो है ना इसका कैंपस पहला कैंपस कहां खुला था पहला विदेश में पहला कैंपस खुला था यूएई के अबू धाबी में और दूसरा कहां खुलने जा रहा है ब्रिटेन में तो बजेगा दंका एकदम जबरदस्त तरीके से आओ जरा ये बताओ तो हां जी फटाफट बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का साथियों जो हैरिस पार्क है पहली बात तो याद करो अभी हमने कुछ दिन पहले बताया था का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में किस भारतीय को दिया गया है का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है हाल ही में किस भारतीय को दिया गया है याद है कि नहीं बोलो 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 अरे भाई रतन टाटा को दिया गया है रतन टाटा को सही बताएं तो भारत रत्न भी दे देना चाहिए क्या बोलते हो आप लोग रतन टाटा को भी भारत रत्न दिए जाने की मांग उठनी चाहिए कि नहीं रतन टाटा को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए कि नहीं लिटिल इंडिया साथियों तो याद रखिएगा इसका नाम है लिटिल इंडिया अच्छा जब हम बात करते हैं आ, भाई ऑस्ट्रेलिया की तो आप जानते हैं कि यहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है एंथोनी अलबनीज है कौन है भैया एंथोनी अलबनीज का नाम जरूर याद रखिएगा साथियों और बात जब ऑस्ट्रेलिया की हो रही है तो आप जानते हो कि की जो कैपिटल है अर्थात राजधानी है वो क्या है कैनबरा है क्या है भैया कैनबरा है कैडबरी ने कैनबरा और यहीं के विक्टोरिया में होने वाला है यहीं के विक्टोरिया में होने वाला है 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स क्या बात है तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भैया रतन टाटा को भी भारत रत्न मिलना चाहिए यस या नो में कमेंट करके बताएंगे चलिए जोरदार कमेंट के साथ और जो ऑफलाइन हमारे व्यूवर्स हैं वो कारणों के साथ लिखकर बताएंगे हम जरूर देखेंगे चलिए यह बताइए उन्नीस ईस्वी में जो सेंडलर कमीशन गठित हुआ था क्या बात है क्या बात है यस 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 जबरदस्त बिल्कुल मेरा भी यही मानना है साथियों सैंडलर कमीशन वर्ष 1917 में गठित हुआ था और इस ने क्या किया था सिफारिश पता है प्लस की ना और दूसरी चीज शिक्षा को इस, इस आयोग ने शिक्षा को क्या बना दिया शिक्षा को प्रांतीय विषय बनाने की सिफारिश कर दी मतलब प्रांतीय विषय का मतलब समझिए राज्य सूची ठीक है ना मतलब कमीशन की सिफारिश पर शिक्षा को क्या किया गया प्रांतीय विषय अर्थात

में दिया नहीं है जो कि विकल्प में दिया नहीं है हाँ, यह बताओ और मन से पढ़ो मन से पढ़ो शिद्दत से पढ़ो जितना पढ़ा रहे हैं सब पढ़ते जाओ रिवीजन मारते जाओ पेपर तो ढंके की चोट पर अच्छा होगा यह बताइए तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल मंडलों तरह तो पूरी तरह से सोम को समर्पित है तो सोम के लिए टोटल एक सौ चौवालीस सूक्त देखो जहां तक साथियों सूक्त की बात है ना तो ऋग्वेद में आप देखोगे तो कुल मिलाकर कितने है? सूक्त है। हैं ऋग्वेद में साथियों अट्ठाईस सूक्त हैं 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 कितने सूक्त 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 भाई साहब और ये जो एक है इनमें आप देखोगे कि दो सौ पचास सूक्त तो किसके लिए है भाई इंद्र के लिए है किसके लिए है इंद्र के लिए है इसमें से साथियों दो सौ सूक्त आप देखोगे तो किसके लिए है अग्निदेव के लिए है किसके लिए है अग्निदेव के लिए है और इसमें से एक सौ सूक्त आप देखोगे तो किसके लिए हैं?

बताओ भैया पासवान जी जोरदार कमेंट के कामा गाटा क्या वात, क्या वात, क्या वात। साथ कामाघाटा मारू क्या बात क्या बात क्या बात साथियों कामाटा मारू वैसे तो एक जापानी जहाज था ठीक है ना एक जापानी जहाज था ठीक है और इस जापानी जहाज को क्या किया गया इस जापानी जहाज को है ना इस जापानी जहाज को क्या किया गया किराए पर लिया गया और किराए पर लेकर आप देखेंगे किराए पर लेकर है ना ये कनाडा की यात्रा पर निकला ठीक है ना तो पहले किराए पर इसको लिया गया और इसमें करीबन चार लोग के आसपास सवार हुए और कनाडा की यात्रा पर निकला कनाडा में भी कहां पहुंचा कनाडा के वैंकूवर द्वीप पहुंचा लेकिन चूंकि वो ये बात 1914 की है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से कनाडा ने इस युद्ध इस पोत को इस जहाज को अपनी सीमा में उतरने नहीं दिया और यहां से इसको वापस बुला लिया गया और जब ये कामागाटा मारू वापस आया बजबज पहुंचा भारत में तो पुलिस के साथ झड़प में बहुत सारे लोग मारे गए ये बताइए भैया आपको बताना है कि कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार साथियों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें उसी की बात हो रही है यहां पर तो इसकी स्थापना कब हुई थी बताया इसकी स्थापना साथियों हुई सोलह सौ ईस्वी में ठीक है व्यापार कब शुरू हुआ था पता है व्यापार कब शुरू किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में तो सोलह में सूरत से व्यापार शुरू किया था कहां से सूरत से व्यापार शुरू किया था अच्छा आप जानते हैं कि भाई अगर हम कहते हैं कि ब्रिटिश राज की स्थापना ब्रिटिश राज की न्यू कब पड़ी थी तो ब्रिटिश राज न्यू सत्रह में प्लासी के युद्ध में जीत से पड़ी आप जानते हो और ब्रिटिश राज की स्थापना किस युद्ध में जीत से हुई थी तो सत्रह के बक्सर के युद्ध में जीत से हुई थी अब देखिएगा व्यापार की बात करते हैं तो व्यापारिक व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति पर जरा ध्यान दीजिए तो व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति में दो चीजें आपको ध्यान देना है व्यापारिक एकाधिकार समाप्ति पर दो चीजें आपको ध्यान देनी है जिसमें से एक तो यह है कि भैया आंशिकता समाप्त तो हुआ मतलब पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और एक पूर्णतः समाप्त तो हुआ तो ध्यान रखना कि आंशिकता समाप्त हुआ था अठारह तेरह में और पूर्णता समाप्त हुआ आदेश जारी किए तो तो में और फिलहाल से कोई नहीं क्योंकि को समाप्त किया गया तो ऐसा नहीं है समाप्ति का मतलब है कि चाय और चीन को छोड़ दिया गया था अठारह में पूरी तरह निपटा दिया ठीक है ना चलिए अच्छा एक बात बताइए कि कोई बता सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब खत्म हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त शासन समाप्त और साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और साथ में इसी दिन ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है वो शुरू हुआ का शासन क्या हुआ साथियों शुरू हुआ तो बिल्कुल आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक नवंबर अठारह एक नवंबर अठारह ठीक है ना चले अगले प्रश्न की ओर तो पूरा याद रखना है चलिए अगले सवाल की तरफ दिया जाए हाँ आ, क्या दिया हुआ है जापान भी दिया हुआ है तो कोई बात नहीं कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था देखो एक बात समझो ये वाला जो क्वेश्चन है काबा राटा मारू क्या था तो इसका यह भी आंसर सही है इसका यह भी आंसर सही है सही देखा जाए तो।, तो क्योंकि कनाडा की यात्रा पर तो निकला था बात सही है जापान का एक हवाई जहाज अरे ये कैसे आंसर होगा यार यहां देखो क्या लिखा है हवाई जहाज लिखा है हवाई जहाज था <laughs> ले भैया मामा हूं कंफ्यूज कर दोगे हवाई जहाज था ये <laughs> समुद्री समुद्री जहाज था दद्दा <laughs> समुद्री जहाज था ये ठीक है ना चलो गए भैंस पानी में ये बताओ जरा तो हाँ जी ये बताएंगे हाँ ऑपरेटर वाले भाई साहब अच्छा ठीक है बखीरा पक्षी अभ्यारण कहा पर स्थित है बताइए तो बखीरा पक्षी अभ्यारण्य एक रामसर स्थल है यह एक रामसर स्थल है और उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है अगर साथियों हम बिहार की बात करें तो अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे नागा नगटी पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाता है भीम बांध पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश बिहार में जो आपके है ना मुख्य रूप से वो यहां स्क्रीन पर मैप में दिए हुए हैं पीडीएफ से आप प्राप्त कर सकते हैं क्या बात है चार लाइक कौन कर रहा है भैया जोरदार बताएंगे और हाँ जरा एक बार सेशन को शेयर करके आओ तो मजा आएगा घुमाएंगे घूमी घूमी होगा बिहार का क्या बात है ऑस्ट्रिया की राजधानी यूरो है, है। राजधानी रेन मिन भी है जिसको और क्या कहा जाता है जिसको साथियों युआन भी कहा जाता है अच्छा साइप्रस की राजधानी डॉलर नहीं है साइप्रस की राजधानी भी यूरो है, है ठीक ना? और यूरो के बारे में आपको बता चुके हैं कि भैया यूरो मुद्रा कब स्टार्ट की गई थी वर्ष उन्नीस में स्टार्ट की गई थी और यूरोपियन यूनियन के 20 देशों की मुद्रा यूरो है 20 देशों की मुद्रा यूरो है और इस तरह से वे देश जो 20 देश है जो यूरोपियन यूनियन में शामिल है उन्हीं को क्या कहा जाता है उन्हीं को यूरो जोन कहा जाता है उनको क्या कहा जाता है यूरो जोन कहा जाता है ये बताइए जरा तो जोरदार कमेंट के साथ अरे भाई साहब क्या बात है सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला क्या आपको पता है कि यह सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है जी हाँ ये साथियों सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है तो यह सबसे बड़ा जो हस्तशिल्प मेला है यह लगता कहां पर है यह लगता है सूरज कुंड झील एक्चुअली में फरीदाबाद में एक सूरज कुंड झील है फरीदाबाद में क्या है साथियों एक सूरज कुंड झील है सूरज कुंड लेक है और ये जो सूरज कुंड झील है ये कौन से राज्य में है तो आप बता रहे होंगे हरियाणा में है कहां पर है हरियाणा में है ये बताओ हाँ जी बहुत बढ़िया बताना है कि हिटलर साथियों हिटलर तो आप जानते हैं हिटलर की आत्मकथा भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है मीन कैंप क्या नाम है भैया तो मीन मीन कैंप कैंप इसकी आत्मकथा का नाम है ठीक है ठीक ना नाइनटीन थर्टी नाइन में जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो यह युद्ध दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध खत्म कब हुआ था तो दूसरा विश्व युद्ध एग्जैक्टली खत्म हुआ था 15 अगस्त 1945 को ठीक है सॉरी 15 अगस्त 1945 को नहीं 2 सितंबर 1945 को शुरुआत खत्म हुआ था 2 सितंबर 1945 को किसने खत्म किया था अमेरिका ने क्यों भैया क्योंकि जापान पर गिराए थे दो परमाणु बम वैसे जापान जो है जापान ने जब सरेंडर किया था तो उसके बाद ही जो है खत्म हुआ ठीक है ना हाँ तो जापान ने वैसे सरेंडर किया था 15 अगस्त को क्योंकि 6 अगस्त पर हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को है ना नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम डाला ठीक है है ना ये बताओ जरा भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है? भाई कांडला है ना और हल्दिया तो अगर आप कांडला की बात करो तो कांडला कहां मिलेगा कांडला गुजरात में मिलेगा कांडला गुजरात में मिलेगा और आपको यह भी पता है कि कांडला का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह क्या नाम है इसका दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है कि नहीं है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगा इसका नाम है ठीक है ना अच्छा इसी प्रकार से ये जो हल्दिया है तो हल्दिया तो कोलकाता वाला है ठीक है कोलकाता वाला है और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है तो इसका नाम रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह या

ग्रीनविच मीन टाइम जो कि लंदन से होकर गुजरती गुजरने वाली रेखा है और ये क्या है ये जीरो डिग्री देशांतर रेखा है जीरो डिग्री देशांतर रेखा है और इसी से आगे चलते जाइए चलते जाइए तो जो साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है यहीं से लिया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि नैनी प्रयागराज या इलाहाबाद से होकर गुजरती है जो कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय से कितने घंटे आगे है साढ़े घंटे आगे है कितने हो साढ़े पांच घंटे आगे ही बताओ ताल ठोक कर शांत घाटी साथियों शांत घाटी पहली बात तो ध्यान दीजिएगा कि एक शांत घाटी आंदोलन भी तो है याद करो शांत घाटी आंदोलन शांत घाटी आंदोलन का कौन नेतृत्व किसने किया था शांत घाटी आंदोलन को किसने लीड किया था तो याद करिए सुगाथा कुमारी ने किया था किसने किया था सुगाथा कुमारी ने किया था और याद करिए कि सांत घाटी से क्वेश्चन आता है कि भाई साहब सर्वाधिक जैव विविधता भारत में कहां पाई जाती है तो अगर आपसे कहता है कि सर्वाधिक जैव विविधता बता दो तो सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है तो सर्वाधिक जैव विविधता यही पाई जाती है और यह है कहां पर तो ये केरल में है कहां पर है केरल में है तो याद रखना पड़ेगा ना चलिए अच्छा सांत घाटी तो ठीक है लेकिन ये बताओ कि फूलों की घाटी फूलों की घाटी कहां मिलेगी भाई साहब बताओ जरा तो अच्छा साथ में सिलिकॉन घाटी भी बता दो कौन सी घाटी सिलिकॉन घाटी भी बता दो सिलिकॉन घाटी कौन बताएगा सिलिकॉन घाटी भी बता दो तो कहां है तो भैया सिलिकॉन घाटी है बंगलोर ठीक है ना बंगलोर या बंगलुरु और ये कहां पर है उत्तराखंड में कहां पर साथियों उत्तराखंड में यह बताइए जरा बहुत बढ़िया जोरदार 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 आंसर आने चाहिए गुरु शिखर क्या बात है साथियों गुरु शिखर है कहां पर राजस्थान में है गुरु शिखर कहां पर है राजस्थान में है और गुरु शिखर जो है ना यह अरावली का सबसे उच्चतम श्रेणी है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गुरु शिखर है भारत में अनेक कोयला क्षेत्र है लेकिन सर्वाधिक कोयला देखिए हम सब जानते हैं कि अगर हम कोयले के प्रकारों की बात करते हैं तो कोयला के प्रकारों में सबसे नंबर एक पर कौन सा होता है एंथ्रेसाइट होता है होता है कि नहीं होता है तो एंथ्रेसाइट होता है दूसरा कौन सा होता है मिनस होता है कौन सा होता है बीटू मिनस, बी मिनस होता है ठीक है बीटूमिनस होता है और कौन सा होता है भैया लिग्नाइट होता है कौन सा होता है लिग्नाइट होता है लिग्नाइट होता है और कौन सा होता है साथियों पीठ होता है ठीक है ना पीठ होता है अच्छा अगर आपसे कहे कि भारत में सर्वाधिक जो कोयला है भारत में सर्वाधिक है ना सर्वाधिक भंडार किस कोयले का है तो भारत में सर्वाधिक भंडार कौन से कोयले का है बीटू मिनेस का है भारत में सर्वाधिक हाँ भाई गोल्डी भारत में सर्वाधिक भंडार जो है वो किस कोयले का है तो बीटू मिनेस का है लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भारत में सर्वाधिक भंडार किस घाटी में मिलता है तो दामोदर घाटी में मिलता है दामोदर घाटी का मतलब क्या है झारखंड ठीक है दामोदर घाटी मुख्य रूप से कहा मिलेगी झारखंड में मिलेगी अच्छा सर्वोत्तम सर्वोत्तम किस्म का है ना सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है तो सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है कौन सा भैया एंथ्रेसाइट होता है और ना और सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है तो सबसे बेकार जो कोयला होता है वो पीठ वाला होता है बात समझ रहे हो ना चलो इसका आंसर बताओ हाँ जी फटाफट आंसर आने चाहिए जोरदार कमेंट के साथ

ने कुछ रोगियों के लिए एक आनंदवन भी स्थापित किया जो एक तरह का आश्रम है और आनंदवन कहा मिलेगा महाराष्ट्र में मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी ये बताइए जोरदार कमेंट के साथ क्या बात क्या बात क्या बात बहुत बढ़िया धन्यवाद बताइए जरा जोरदार कमेंट के, के साथ बताना है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को साथियों यहां पर वित्त विधेयक मतलब आप समझिए कि धन विधेयक की बात हो रही है और धन विधेयक के संदर्भ में आपको दो तीन बातें बहुत स्पष्ट रूप से याद होनी चाहिए वो ये कि अगर आप बात करते हो परिभाषा की किसकी परिभाषा की बात करते हो तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक में मिल जाएगा लेकिन इससे संबंधित जो विशेष प्रावधान है पास वास करने के वो अनुच्छेद एक में मिलता है और ध्यान रखिएगा कि भैया लोकसभा जैसे होता क्या है कि धन विधेयक राज्यसभा मात्र चौदह दिन तक रोक सकती है मतलब लोकसभा में पहले पेश किया जाता है धन विधेयक लोकसभा में पहले पेश होता है और उसके बाद आप देखोगे कि लोकसभा से जब राज्यसभा में जाता है तो चौदह दिनों तक केवल रोका जा सकता है उसके बाद उसे स्वतः पास मान लिया जाता है क्या बात है तो पांच सवा लाइक कौन कर रहा है जोरदार कमेंट के साथ बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे तो भैया जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे है ना यह ये बहुत बढ़िया <laughs> भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी अब सुनो बात पूरी सुनो मजा तब आएगा केवल इतने से काम नहीं चलेगा मंत्रिपरिषद आप जानते हो दो होती है एक क्या होती है एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्र सरकार की और एक होती है राज्य की मंत्रिपरिषद अरे अपने नीतीश बाबू वाली तो जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है वो अनुच्छेद चौहत्तर के तहत होती है और जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो अनुच्छेद एक सौ तिरसठ के तहत होती है ठीक है अब जरा ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद चौहत्तर में जिस तरह से यह लिखा है कि राष्ट्रपति के कार्यो में सहायता और सलाह देने के लिए वैसे ही अनुच्छेद एक, एक में यह लिखा है कि राज्यपाल के कार्यो में सहायता और सलाह देने के लिए आइए जरा इसका आंसर भी बताइएगा तो मजा तब ना आएगा बताएंगे जोरदार राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम भी बदल दिया गया बहुत बढ़िया तो राष्ट्रपति भवन साथियों राष्ट्रपति भवन पहली बात ध्यान दीजिएगा कि आपको शायद बहुत कितने लोगों को यह पता है कि यह रायसीना हिल्स को काटकर बनाया गया है रायसीना हिल्स को काटकर बनाया गया है राष्ट्रपति भवन काटकर बनाया गया है बनाया गया है कितने लोगों को पता था यह बताएंगे जरा कमेंट करके और आप जानते हैं कि इसके डिजाइन करता कौन

सभी को आवास का जो टारगेट है सभी को आवास का जो लक्ष्य रखा गया है वो क्या रखा गया है तो सभी के लिए आवास का जो लक्ष्य है वो 2024 है क्या है भैया 2024 है और इसका राइट आंसर क्या है 79,000। चलिए सॉरी 79,000 करोड़ ना ये बताओ अरे वाह गजब का क्वेश्चन है भाई साहब नख नख का मतलब नाखून खुर जो भ्ह, गाय भैंसों का होता है और सींग ठीक है ना इवन हमा, हमारे आपके जो नाखून होते हैं वो भी किसके बने होते हैं है साथियों तो है है। है? है। जैसे आप किरेटीन देख रहे हो ऐसे ही होता है एक होता है, करोटीन। करोटीन क्या होता है? तो याद रखेंगे और कैरोटीन याद करिए गाजर का जो रंग होता है है वो इसी की वजह से होता है ठीक है ना इसी की वजह से होता है जो पत्तियों का पीलापन होता है पत्तियों का जो पीलापन होता है वो भी इसी की वजह से होता है यही नहीं साथियों याद करिए कि जो दूध का पीलापन है जो दूध का पीलापन है वो भी इसी की वजह से होता है लेकिन याद रहे कि जैसे जो फूलों का पीलापन है वो किसकी वजह से होता है तो फूलों का साथियों जो पीलापन होता है वो जैंथोफिल की वजह से होता है किसकी वजह से जैंथोफिल की वजह से होता है ठीक है ना पत्तियों का जो पीलापन होता है अच्छा कोई बता सकता है कि दूध का दूध का धवल रंग किसकी वजह से होता है दूध का जो धवल या सफेद रंग होता है वो किसकी वजह से होता है तो याद रखिएगा कि दूध का जो धवल रंग या सफेद रंग होता है वो केसिन की वजह से होता है और केसिन क्या होती है केसीन एक प्रोटीन है केसीन क्या है केसीन साथियों एक प्रोटीन है क्लियर बात है ना याद रहेगा जबरदस्त तरीके से भूलोगे तो नहीं तो चलो फिर ये बता दो हाँ जी फटाफट बताएंगे जोरदार और सेशन मजा आए ना अगर कंटेंट अच्छा लगे ना तो बस लाइक वाला बटन झमम से दबाएंगे ताकि हमें भी पता चले कि वाह आप तक बात पहुंच गई हां ये बताओ भैया अमृता सनोज हिमांशु हैप्पी 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 चंदन बाबू बताओ भाई परी मुद्रास्फीति भाई साहब मुद्रास्फीति पहले मतलब समझो मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई मुद्रास्फीति मतलब क्या है महंगाई मुद्रा स्पीति मतलब का है महंगाई अब आप सोचो कि महंगाई कब बढ़ती है वृद्धि हो जाए मुद्रा, मुद्रा मतलब, मुद्रा मतलब, मतलब, तो मतलब हमारे आपके पास पैसा खूब हो जाए ठीक है ना हाँ तो भैया आप, आप सोच आप कहोगे आपके पास पैसा बहुत हो जाएगा तो महंगाई कैसे बढ़ जाएगी अरे हमारे आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो हम मार्केट में जाएंगे पूछेंगे सामान कितने का है तो सामने वाला कहेगा दूसरे तो हम कहेंगे ठीक है चल ले लो ठीक है कम नहीं कराएंगे लेकिन जब हमारे लोग गरीब होंगे तो पता चला दो बताओ ठीक है सामने सौ रुपए खरीद नहीं तो आप चलो अच्छा एक सौ बीस ले लो तो सामने लगा ना, 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 ना एक सौ बीस नहीं सामने अरे चलो अच्छा डेढ़ सौ रुपए हम जा रहे हैं ठीक है गए ठीक फिर उसके बाद उधर चला अरे अरे भैया आओ आओ ले लो ले लो ले लो ठीक है ना <laughs> समझ रहे हो हां तो ये बात होता है और सुनो है ना और सुनो और दूसरा आगे क्या लिखा है उत्पादन में हास क्या लिखा है उत्पादन में हास अब पता चला ससुरा जो है टमाटर मार्केट में टमाटर का उत्पादन कम हो गया अब टमाटर में खपत कितनी टमाटर की मार्केट में जो खपत है पता चला वो खपत है ठीक है मान लो कि एक हजार किलो खपत है और पता चला मार्केट में आया सात सौ किलो तो बताओ महंगा नहीं हो जाएगा ठीक है मालूम कहने का मतलब है इकोनॉमिक से डरना नहीं लड़ना है ठीक है डर के आगे जीत ये बताओ जरा है ना शिक्षा का अधिकार भाई साहब देखो अगर आपसे कहता है यहां पर पेच क्या है पता है यहां पर पेच ये है कि शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना तब क्या बताओगे कब मौलिक अधिकार बना तब क्या बताओगे चलो फटाफट बताओ कब मौलिक अधिकार बना ठीक है तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब आपका आंसर हो जाएगा छियासीवा संविधान संशोधन दो क्या भैया दो ठीक है ना क्यों क्योंकि भैया छियासी संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में राइट टू एजुकेशन को लाया गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया लेकिन यहां पर तो यह केवल मौलिक अधिकार बना अब ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जब आप बात करते हो मतलब आर एक्ट की बात करते हो किसकी बात करते हो आर एक्ट की बात करते हो तो यह पास कब हुआ था तो पास हुआ था दो नौ में लेकिन लागू कब हुआ तो वही तो पूछ रहा है यहां पर कि कब लागू किया आपने ये बताइए तो भैया एक अप्रैल 2010 को लागू किया बात समझ गए ना चलिए तो इसी बात पर लाइक वाला बटन ठोक बजा के दबाएंगे ये बताओ जरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या बात है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था ठीक है ना चलिए फटाफट है न फटाफट बताओ जरा तो भाई साहब उन्नीस में कब हो उन्नीस में याद रहेगा ना चलो ये बताओ जरा अरे वाह क्या बात है अरे अपनी आपकी प्यारी सी बिहार पुलिस बुक अरे क्या करना है अरे फटाफट जाओ फ्लिपकार्ट सर्च मारो सर्च करना है बिहार पुलिस बुक एम क्लासेस ठीक है ना अब फटाक से आ जाएगा झम्म से पंद्रह प्रैक्टिस सेट वाला है ना ना खरीद लो और एकदम झम्म से पढ़ डालो ये बताओ जरा तो हा ना? हा, है ना हाँ उनतालीस का डी होगा कहा हो क्वेश्चन नंबर थर्टी में भाई साहब कह रहे हैं डी होगा अच्छा कह रहा है क्या आ, हा 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 क्या कह रहा है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि उत्पाद अरे हाँ एक बात और है कि मुद्रा पूर्ति में जो वृद्धि लिखा है यह भी आंसर हो सकता है तो इसके आधार पर इसका आंसर जो है दो दो है मतलब ए भी इसका आंसर है ए तो हंड्रेड परसेंट आंसर है कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि लेकिन बी में भी वही बात लिख दिया है और यहां दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक तो इस आधार पर इसका आंसर डी होगा बहुत सही बात बताया हो चलो जरा इसका आंसर बताओ अब ठीक है अब जरा इसका आंसर बताओ क्या बात है भैया इसका आंसर तो हर कोई दे लेगा आ? अच्छा चलिए हाँ भैया फटाफट बताओ जरा जोरदार तरीके से है ना कोई बात नहीं छूट गया तो छूट गया भैया पवन ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम है ना ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम दोस्त आतंकवाद भैया आतंकवाद कौन सी प्राकृतिक आपदा है आतंकवाद कौन सी प्राकृतिक आपदा है तो कृत्रिम आपदा है ठीक हाँ, है हाँ जोनो पाकिस्तानी आतंकवादी घुस है निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है तो भैया दुनिया का सर्वोच्च युद्ध स्थली कौन सी है सियाचिन ग्लेशियर है हम सब जानते हैं कि ये कहां पर मिलेगा काराकोरम में मिलेगा कहां पर मिलेगा काराकोरम में मिलेगा और काराकोरम कहां मिलेगा लद्दाख में मिलेगा पर मिलेगा काराकोरम लद्दाख में मिलेगा और याद रखिएगा सियाचिन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा और कई बार पेपर में आया हुआ है नुब्रा नदी का स्रोत क्या है तो याद रखिएगा नुब्रा, नुब्रा नदी का स्रोत है सियाचिन तो ग्लेशियर नुब्रा नदी का स्रोत क्या है सियाचिन ग्लेशियर आओ जरा अच्छा सियाचिन है ना सियाचिन में सियाचिन से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया था किसी को याद है तो याद रखिएगा वर्ष उन्नीस में ठीक है पाकिस्तानी सेना को यहां से खदेड़ भगाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था ठीक है ना हाँ जी चलो ये बताओ जरा तो हाँ छत्तीस फिर से ट्राई करें अच्छा क्वेश्चन नंबर छत्तीस के कुछ और चलिए क्वेश्चन नंबर छत्तीस क्वेश्चन नंबर छत्तीस में कह रहा है राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम है ठीक तो है अमृत उद्यान और क्या करना चाह रहे हो तुम एं? चलो ये बताओ जरा हाँ जी बताना ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था हाँ जी फटाफट बताओ <laughs> देखो तो अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन हुआ कैनिंग हुआ कौन हुआ नहीं हुआ और इसके लिए कौन सा कानून आया था याद करिए तो भारत शासन अधिनियम आया था ना तो भारत शासन अधिनियम सो शासन अधिनियम सो अठावन आया था ना इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और मुगलों की सत्ता को खत्म कर दिया और ब्रिटिश क्राउन की सत्ता को भारत में शुरू किया यह बताइएगा निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं तो भैया पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं है ना हाँ पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है हाँ, तो साथियों पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है किसको देखो भैया भैयापुर है आइजोल है शिलांग है इम्फाल है तो सिलोंग को कहा जाता है सिलोंग कहां पर पड़ता है मेघालय में पड़ता है है ना मेघालय में पड़ता है और मेघालय का जो पठार है उसको शिलोंग के पठार के नाम से जाना जाता है ठीक है ना आइए जरा अगला प्रश्न देखा जाए इसका आंसर दीजिएगा जोरदार तरीके से सभी के राइट आंसर आने चाहिए फटाफट बताइए जरा तो निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है भारतीय संविधान हाँ गारो खासी जयंती अब वही मिलेगा क्योंकि पूर्ति नहीं ना पार्टी लिखा है अरे यार तुम कहां से आए हो जहां से आए कहे वहीं नहीं चले जाते <laughs> एक से एक कलाकार आते हैं चलो ये बताओ हाँ अरे तो <laughs> निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है भाई साहब देखो अर्धसंगी संगी तो है अर्धसंगी संगी कहाँ से लिया है हमने अर्धस हमने लिया है कनाडा से ठीक है ना शक्तियों का पृथककरण है ही शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया गया है मौलिक अधिकार अमेरिका से अल्पतंत्र का होता है कौन खेत का मूली है भाई बताओ जरा तो जोरदार कमेंट के साथ बस इसके बाद तीन क्वेश्चन और, और उसके बाद साइंस की बौछार अभिषेक सर के द्वारा है ना चलिए तो समुद्र तल से बिहार राज्य की औसत ऊंचाई कितनी है औसत ऊंचाई बिहार की समुद्र तल से कितनी है अच्छा एक बात बताओ जरा कितने लोगों को यह पता है कि औसत ऊंचाई कहां से ली जाती है यह जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई ली जाती है कहां से ली जाती है अब देखो कोई यह नहीं कहेगा हमारे घर के पीछे से कहां से ली जाती है कहां से ली जाती है औसत ऊंचाई तो याद रखना पहले चेन्नई से ली जाती थी अब औसत ऊंचाई मुंबई से ली जाती है कहां से मुंबई से ली जाती है ये बताओ जरा तो हाँ जी बताना है कि बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कवर करता है और क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर अगर आप बिहार को देखोगे तो कौन से नंबर पर स्थित है तो क्षेत्रफल के आधार पर आप देखिएगा साथियों तो ये देखिए जब केवल राज्यों में राज्यों में बिहार को राज्यों में बिहार बारहवा सबसे बड़ा राज्य है लेकिन राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बात करोगे तब यह भारत का तेरहवा सबसे बड़ा राज्य है और बिहार का जो क्षेत्रफल है वो लद्दाख से कम है है हाँ ना बिहार का क्षेत्रफल लद्दाख से कम है जी हाँ लाइक का बटन कई लोग हमें लग रहा है दबाना भुला गए का या मोबाइल में कितने लोग ऐसे है हैं जिनके मोबाइल में लाइक वाला बटन आ ही नहीं रहा है क्योंकि नहीं आ रहा है तभी तो नहीं दबा रहे हो आ रहे होता तो दबा ना देते से क्योंकि पढ़ाई तो हमें लग रहा है ठीक है क्यों है तो वरली चित्रकला वरली जो चित्रकला है अरे जो लोग गए होंगे है ना बांद्रा वर्ली है ना बांद्रा वर्ली ये सब कहा है मुंबई में महाराष्ट्र और बिहार में क्या होता है पटना चित्रकला ठीक है ना पटना चित्रकला पटना चित्रकला शैली ठीक है तो इस तरह से हाँ मधुबनी भी आता है ठीक है देखिए अभिषेक सर को भी पता है अरे बिल्कुल तो भाई साहब ये पीस उसके अच्छा चिड़िया उड़िया का चित्र ये सर जी ट्वेंटी में <laughs> <laughs> ये अंतिम सवाल है ये अंतिम सवाल संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक है इसका आंसर वैसे भी नया आया होगा चलिए जी तो भैया जय बिहार धुआंधार अंदाज में 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और याद रहे कि सभी लोग सेशन को लाइक like जरूर करेंगे और हां जरा एक बार पीडीएफ आपको बता दें कि कहा मिलेगा क्योंकि पीडीएफ के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं तो साथियों पीडीएफ आपको अब आप मिल रही है हमारे एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप पर दरअसल में टेलीग्राम पर इतना हौच पौच हो जा रहा था कई लोगों को पीडीएफ क्रम से नहीं मिल पा रहा था तो हमने इसको अपने एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा दिया इसके लिए कोई पैसा नहीं पे करना है फ्री में पीडीएफ उपलब्ध है आपको क्या करना है जिनके पास हमारा एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप है तो ठीक है नहीं है तो डाउनलोड कर लो नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लो और जैसे नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लोगे तो यहां पर एक क्लास नोट्स पीडीएफ दिखाई देगा क्लास नोट्स पीडीएफ का ऑप्शन दिखेगा यहां पर आपको सर्च करोगे तो सारे बिहार पुलिस के पीडीएफ अभी तक के जो भी हैं इधर जो पढ़ाए गए हैं बलवान सीरीज के मिल जाएंगे क्या बात है तो बुलाते हैं आपके साइंस के जादूगर अभिषेक सर को स्वागत है सर बहुत बहुत धन्यवाद सर सर आप तो थक गए होंगे जाके विश्राम करेंगे आराम करेंगे बाहर अगर बाहर बारिश हो रही हो तो सर आज हमने घर बोला है लिट्टी चोखा बने रहे अच्छा लिट्टी चोखा अगर नहीं आज मिला लिट्टी चोखा का जुगाड़ है घर पे घर पे है तो मतलब क्लास लेके मुझे भी वहीं आना है फटाफट खत्म करिए फिर लिट्टी चोखा निपटाया जाए अरे इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैले सुना पहले से धोखा यूपी चाहे बिहार में और गढ़ के झंडा आइए जाला जाला जहां संसार है ना क्या बात है क्या बात है भाई साहब क्या बात हाँ। <laughs> चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार दुलार और आप सभी के समर्थन के लिए फिर मिलते हैं कल अभी फिलहाल सर के साथ कंटिन्यू करिए मजे से पढ़िए कल रात में नौ बजे भी बिहार के लिए शानदार सी क्लास है तो सभी लोग जरूर जुड़िएगा धन्यवाद थैंक यू वेरी मच हमारी तरफ से गुड सर आज बहुत जल्दी में देख रहे हैं आप लोग कितना एकदम स्पीड में सर कह रहे हैं एकदम गुड नाइट गुड बाय चलते हैं फिर मिलते हैं कल शाम में रात नौ बजे तो भैया देख लीजिए जल्दीबाजी में यही होता है ठीक है <laughs> तो चलिए भाई तो एकदम पूरी एनर्जी के साथ तो आइए दोस्तों पूरी तरह से पूरी एनर्जी के साथ बने रहिए क्लास में और लेकर चलते हैं आज साइंस की एक <laughs> तो चलिए बाबू शुरू करें आज की क्लास इजाजत है पूरी एनर्जी के साथ बने रहिएगा और साइंस और जीके के जी क्लास में ऐसी क्लास जो सफलता दिलाए बलवान सीरीज की और आप जानते हैं ये बलवान सीरीज की आखिरी क्लास हो रही है और इसके बाद हम लोग आएंगे विजय श्री मैराथन में और विजय श्री मैराथन के बाद विजयश्री मैराथन आपको एग्जाम तक पहुंचा देगा जिसमें संपूर्ण मैराथन होगा मंडे से शुरू हो रहा है साइंस से शुरुआत हो रही है फिर आपकी हिंदी और इंग्लिश है और उसके बाद वन बाई वन एक एक करके सारी क्लासेस आनी है तो पूरी एनर्जी के साथ बने रहेगा पहले सवाल का जवाब दीजिएगा नहीं नहीं ठीक है तो इसका सही जवाब है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त यहां पर देख लीजिए सोनार क्या करता है गहराई सोनार से हम क्या नापते हैं मेरे भाई तो सोनार जो यंत्र है ना इससे हम लोग गहराई नापते हैं ये पंडुबियों में लगाई जाती है और सोनार जो है प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे काम करती है किसके सिद्धांत पे काम करती है प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे गैल्वानोमीटर विभव नापता है विभव नापता है और ये ध्वनि की तीव्रता नापता है ऑडियोमीटर ठीक ना ओडोमीटर जो है दूरी नापता है ओडोमीटर क्या नापता है दूरी नापता है ओडोमीटर ये ध्वनि की तीव्रता नापता है और ओडोमीटर दूरी नापता है सेक्सटेंट क्या होते हैं तो ये डूबी हुई वस्तुओं के लिए आप जानते हैं ये दिशा जो नापते हैं ना ये समुद्री जहाज में ये भी लगाए जाते हैं तो समुद्री जहाज में ये दिशा नापते हैं दिशा या एंगल या कोड नापते हैं पूछा महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए तो सोनार ही बताएंगे ऐसे अगर दिशा उशा की बात करता तो सेक्सटेंट होता पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है चार में से एक जवाब धुआंधार गर्दा मचा देना है दूसरे सवाल में और एक एक करके सारे हाथ खुलने चाहिए निम्नलिखित में से से कौन सा सुमेलित नहीं है सेल्सियस से ताप किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा और आर एच फैक्टर रक्त और रिक्टर पैमाना आदरता क्या है सही जवाब एक एक जवाब आना चाहिए बिल्कुल एक बार जबरदस्त पूरी तरह से सुनिएगा अगर हम कहें किलोवाट घंटा के लिए सुनिएगा किलोवाट घंटा ऊर्जा का मापन तो करता है लेकिन अगर एक किलोवाट घंटा की बात करें तो 3.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर सिक्स जूल होता है या 3.6 पॉइंट सिक्स मेगा जूल होता है याद रहेगा और जबकि आर एस फैक्टर की बात करें तो आप जानते हैं ये आर एस फैक्टर रिसस नामक बंदर में पाया गया था रिसस नामक बंदर में पाया गया था और रिक्टर पैमाना आर्द्रता को नहीं मापता है भूकंप की तीव्रता मापता है किसको मापता है भैया भूकंप की तीव्रता मापता है तो भूकंप की तीव्रता कौन मापता है रिक्टर पैमाना मापता है लेकर चले कोई डाउट तो नहीं सही ऑप्शन डी है एक बार जबरदस्त इनर्जी के साथ एकदम धुआधार लाइक की संख्या रुकनी नहीं चाहिए आज क्वेश्चन की कमी नहीं है चलिएगा पूछा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी एकदम मिक्स मिला हुआ क्वेश्चन की श्रृंखला है एकदम नेट स्लो है भैया पल्लवी एकदम पूरी एनर्जी छत पे चले जाओ छत पे नहीं है रूम में ही इधर उधर एंगल बना लीजिए भैया विकास जी हाँ एकदम गुप्ता प्रदीप एकदम जबरदस्त विशाल सर के चेला भैया एकदम साइंसो बढ़िया से पढ़ लिया ठीक बा हाँ तो चलो भैया सवाल पूछ ले बा संवेग का मात्र क्या हो, हो? संवेग बटा द्रव्यमान संवेग और वेग तो संवेग और वेग का अनुपात तो संवेग एम बी होता है और वेग भी होता है वी से वी काट दे क्या आ जाए एम आ जाए द्रव्यमान आ जाए क्या आंसर हुई हो, हो? द्रव्यमान हो जाए क्लियर बाकी ना अच्छा बल के मात्र क्या हो न्यूटन होता है बल का मात्रक न्यूटन भी होता है डाइन भी होता है और पूछे एक न्यूटन में कितना डाइन डाइन तो 10 की घात 5 डाइन कितना डाइन 10 की घात 5 डाइन हुई कि ना हुई एकदम एनर्जी के साथ भाई अब अपने माटी के चूमे के आ, मौका मिले वाला बा, वर्दी पहने के मौका जितना जल्दी एग्जाम आ रहा होगा खुशी और जोश कम नहीं होना चाहिए क्योंकि अब वर्दी आपके समीप आ रही है अब हौसला कम हो गया त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद रखना है और वेग मीटर पर सेकंड हुखबे करेला यहां पर एक सवाल पूछा है पे में दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाला खिलाड़ी को किस कोड पर कुदना होगा आपको भी एग्जाम में एकदम लंबी छलांग लगानी है एग्जाम वाले दिन कूल शांत रहिएगा लेकिन आज जोश कम ना हो जाए क्योंकि आप जानते हैं परछेप्य काल में सबसे अधिक दूरी किस कोड पर होती है 45 डिग्री पर होती है बोलो भैया जय सी आराम क्लियर है कि नहीं 45 डिग्री याद है ना सबसे ज्यादा उछाल बिल्कुल चलिए अगले सवाल पे चलते हैं पूछा है वाशिंग मशीन और दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य का सिद्धांत क्या है इसके अलावा अगर कह दे कि दो, दो द्रव का क्वनांक कम हो सुन लो दो द्रव का क्वनांक में अंतर कम हो क्वनांक में अंतर क्या हो कम तो क्वनांक में अंतर अगर कम हो ना कम तो हम आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं लेकिन प्रभाजी आसवन विधि का लेकिन अगर क्वनांक में अंतर ज्यादा हो क्वनांक में अंतर ज्यादा हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं अंतर ज्यादा तो अंतर ज्यादा हो तो यहां पर हम आसवन विधि का इस्तेमाल करते किसका इस्तेमाल करते हैं आसवन विधि का तो चलिएगा यहां पर देखिएगा वॉशिंग मशीन है दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य किस सिद्धांत पे कार्य करता है अप केंद्र गोल गोल घुमाएगा बल बाहर की तरफ रस्सी लेके ऐसे गोल गोल घुमा के छोड़ोगे बाहर चला जाता है वॉशिंग मशीन भी कपड़ा डाल के पानी ओनी पता नहीं साबुन वाबुन डाल दोगे तो सारी गंदगी बाहर मक्खन भी ऐसे ही निकाला जाता है उत्क्रम प्रोसेस इसी को आर ओ रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं इसके लिए अर्धपारगम में झिल्ली चाहिए अर्ध पारगम में झिलनी चाहिए और ये पानी को शुद्ध करने में इसका इस्तेमाल करते हैं अपोहन पोहन से हम कोलाइडी बिलियन बनाते हैं का बनावे नहीं हो कोलाइडी बिलियन अच्छा विसरण की प्रक्रिया आप जानते हैं अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर अधिक से कम सांद्रण की ओर कौन सी विधि है विसरण बोलो भैया क्लियर है कि तर्फ डाल के पहले तो दिमाग की भी सफाई जरूरी होगी हाँ नेट वही गोल गोल घूम रहा है अच्छा बाबू यूनिक हाँ चला प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग क्या होगा प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग बताना भाई क्लियर है एकदम बहुत बढ़िया आशीष बाबू हो <Sings> बताओ बाबू प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग क्या होगा ये प्रक्षेप्य पथ है देखो तो प्रक्षेप्य पथ में जो कण का वेग है ना वो ऐसा होगा ये ऐसे देखो कैसे होगा ऐसे होगा अब यहां पर देखो जो कड़ का वेग है ना कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे ही रहेगा तो यहां पर ये देखो एक जगह पूछा है एक छड़ के लिए त्वरण के लंबवत तो एकमात्र ऐसा छड़ है जहां पर त्वरण के क्या है लंबवत है इसका सही जवाब बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है तो याद रखना प्रक्षेप्य पथ में वेग एक ही ऐसा जगह है जहां पे त्वरण के क्या होता है लंबवत द वेलासिटी ऑफ द पार्टिकल इन द प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन या पर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंट वेलासिटी या वन स्टैंड ठीक ना यहां पर वेलासिटी दिया हुआ है ठीक है यहां पर दिया हुआ है क्या पूछा है द्रव की बूद द्रव की सहा द्रव बुद्ध संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की एक प्रवृत्ति क्या कहलाती है भाई बताओ हो क्या कहलाती है श्यांता अच्छा श्यांता क्या होता है द्रव की परत के मध्य घर्षण द्रव की परत के मध्य घर्षण तो द्रव की परत के मध्य घर्षण कहलाता है और बिल्कुल घर्षण कहलाता है अच्छा घनत्व क्या होता है तो घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर क्यूब अच्छा पृष्ठ तनाव को हम क्या कहते हैं न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक होता है कहोगे फार्मूला यही सही जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बुद्ध गोल हो जाती है अच्छा पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है कोई बताएगा पृष्ठ तनाव का फार्मूला फोर्स फोरसपान आप जानते हैं फोर्स पर परपेंडिकुलर लेंथ हो जाता है ठीक ना तो न्यूटन पर मीटर हो जाता है और वाष्प दाब आप जानते हैं वाष्प दाब के बारे में बिल्कुल चलिए अगले सवाल प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या है प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक बताइएगा प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक है क्या मात्रक है अच्छा अब अब मेरे में नेट नहीं चल रहा है सर जी जुगाड़ करो कहीं से नेट का बिल्कुल साकिर इंग्लिश में भी ध्यान दीजिए ओके भाई बिल्कुल आप ध्यान देंगे प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक जो होता है ना बाबू प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अच्छा न्यूटन का मात्रक क्या होता है थोड़ा सोच के देखना न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हम डिवाइड कर रहे हैं मीटर स्क्वायर से तो हैं मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा ना तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इसका मतलब ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बोलो भाई क्लियर है बी बहुत बढ़िया जबरदस्त एकदम धुआंधार तरीके से चल रहे हो बाबू अच्छा एक और बात बताओ मैं पूछूं अगर आपसे थोड़ा मात्रक बताना मैं पूछता हूं एक मात्रक थोड़ा ध्यान से बताओ अगर मैं पूछूं प्रतिबल का मात्रक क्या होता है प्रतिबल यानी अगर मैं पूछूं स्ट्रेस का मात्रक क्या होता है तो इसका भी मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी इसका भी मात्रक क्या होता है पास्कल होता है याद रखना क्या होता है मैग्नेटिक्स एक बार धुआधारुंबकी क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्र क्या है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्र क्या होता है थोड़ा जवाब देना एकदम एनर्जी के साथ वेबर होता है क्या होता है भाई वेबर होता है क्या होता है वेबर चलिए अगले सवाल के तरफ चलते हैं कहां चले हुँ। का नियम किससे संबंधित है हुक के नियम के बारे में जवाब दीजिएगा नियम किससे संबंधित है द्रव के दाब से ऐसे ही पास्कल का नियम पूछता है तो पास्कल का नियम जो होता है ना द्रव के दाब से पास्कल का नियम पास्कल सलाभ बोला जाए तो पास्कल सलाह क्या होता है द्रव के दाब से संबंधित है हा लिक्विड के प्रेशर से द्रव के दाब से द्रव दाब मतलब लिक्विड प्रेशर से लेकिन हुक का नियम प्रत्यास्था के साथ हुक का नियम किसके साथ प्रत्यास्था के साथ अच्छा रेडियो धर्मिता की खोज तो बेकुरेल ने की थी लेकिन अगर हम बात करें रेडियो धर्मिता के बारे में तो आप जानते हैं तीन अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है भेदन क्षमता गामा की ज्यादा आयनी करण कर किरण की क्षमता जो है अल्फा की ज्यादा होती है एक सवाल और है जब कोई बाह्य बल न लगा हो तब द्रव की एक छोटी बूद की आकृति निर्धारित होगी अगर कोई बाह्य बल न लगा हो तो बारिश की बूंद हो या परमाणु हो या कोई भी वस्तु हो वो अपने आप को चाहेगी कि कैसा हो जाए गोलाकार गोलाकार क्यों होना चाहेगी क्योंकि इसका पृष्ठ सतह जो होता है वो सबसे कम होता है तो जाहिर सी बात है द्रव के पृष्ठ तनाव से ऑप्शन नंबर ए होगा हाँ भैया नंदकिशोर जी कौन सा दुख है बताइए हाँ चलिए बहुत बढ़िया बताइए चलिए एक सवाल का जवाब और दीजिएगा पूछा है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक महिलाओं की आवाज अधिकती है अधिकती होती है अधिक अधिक चुभती तो है ऐसा तो नहीं है अधिक प्रतीत होती है अच्छा यह बताओ महिलाओं की आवाज में पुरुषों की अपेक्षा क्या ज्यादा होती है तो आप जानते हैं अगर हम कहें तारत्व की बात तो तारत्व यानी पिच जो होता है किसमें ज्यादा होता है तो ये फीमेल में ये मेल का सिंबल है मेल का तो मेल में क्या होता है कम और फीमेल में क्या होता है ज्यादा ठीक अगर हम बात करें किसका तारक तो हो गया अगर हम बात करें एक तरह से प्रबलता का प्रबलता लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस में फीमेल का हां लाउडनेस में फीमेल का वाइज हाँ फीमेल का कम होता है और मेल का ज्यादा होता है मेल का क्या होता है ज्यादा होता है यही बात अच्छा हाँ तो यहां पे तारत्व तो आपका आंसर होगा तारत तो अच्छा तीव्रता का मात्रक क्या होता है तो डेसीबल होता है अच्छा गुणता के आधार पे ही आप आशा भोसले या लता मंगेशकर की आवाज में पहचान करते हो चलिए यहां पर एक और सवाल की तरफ चलते हैं पूछा है सौ डेसिपल की जो ध्वनि अच्छा जो मतलब शोर होता है और शोर का मतलब क्या होता है एक तरह से अव्यवस्थित ध्वनि को शोर कहते हैं अव्यवस्थित ध्वनि ही क्या कहलाती है हाँ अव्यवस्थित ध्वनि शोर कहलाती है तो आप बताइए सामान्य आवाज होती है सौ डेसिबल की ध्वनि जो होती है कैसी होती है शोर शराबे वाले गली की आवाज है सुनाई भर देने वाली आवाज है सामान्य आवाज है या यंत्र कारखाने का शोर है क्या होगा किसको चुनोगे ना 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 पागल देखो इस सवाल में तो ए ऑप्शन नहीं है बी ऑप्शन नहीं है सीधी सामान्य आवाज कितने की होती है लगभग तीस डेसिबल की सुनाई भर देने वाली आवाज लगभग बीस से पच्चीस डेसिबल की होती है और शोर शराबे वाले गली की आवाज जो होती है शोर शराबे वाले गली की आवाज कितनी होती है लगभग साठ सत्तर डेसिबल यंत्र कारखाने के शोर से मशीनों के शोर ज्यादा होते हैं तो यहां पे नब्बे डेसिबल की ध्वनि डी ऑप्शन बनेगा ठीक है चलिए एक सवाल यहां पे दिया हुआ है 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा तो ऐसा सवाल कभी भी आपको परेशान करे तो एम एस डेल्टा टी करिएगा बड़ी इजी सवाल है मास कितना है 2000 अब विशिष्ट उष्मा एक होता है तापमान का अंतर पचास में से दस गया चालीस हो जाएगा तो यहां देखो चार दुना आठ तीन और एक चार जीरो हो जाएगा अस्सी किलो कैलोरी अस्सी हजार किलो अस्सी हजार कैलोरी या अस्सी किलो कैलोरी क्या हो जाएगा अस्सी हजार बिल्कुल एकदम आराम से देख लीजिए अस्सी हजार कैलोरी न्यूमेरिकल को भी एकदम तोड़ देंगे आप लोग ठीक है चलिए अगले सवाल पे चलते हैं पूछा है पानी का हिमांक बिंदु क्या है पानी का हिमांक बिंदु पानी का हिमांक बिंदु अच्छा अगर पानी का क्वनांक बिंदु कहेगा तो क्या जवाब दोगे हिमांक बिंदु इसमें से चुनो क्या चुनोगे अगर कोथनाक कहा होता यानी बॉइलिंग पॉइंट कहा होता तो किसको चुनते तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 212 डिग्री फारेनहाइट या तीन कैल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखिएगा लेकिन अगर हिमांक बिंदु कहता है भैया सनम लक्ष्मी ट्रकर नवलेश पीके के रेणु हाँ, राजेश जी तो यहां पर 32 डिग्री फारेनहाइट या याद रखिएगा जीरो डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन ये तीनों मान एक होते हैं ध्यान दीजिएगा तीनों मान एक होते हैं अच्छा किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है जवाब दे देना अच्छा कभी-कभी पूछता है परम शून्य ताप क्या है तो इसको एक बार और बताया था परम शून्य ताप याद रखिएगा न्यूनतम हां ताप है ये दो डिग्री सेंटीग्रेड यह है परम शून्य ताप तो कितना होता है भैया माइनस चालीस डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरन हाइट ताप पैमाना बराबर होता है पूर्णिमा ने एकदम जवाब दिया संतोष मुर्मू का जवाब सही है रायल भाई का भी जवाब सही है चलिए एक सवाल और है पूछा है गर्मी को अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है तो देखिएगा गर्मी को अवशोषित कौन करता है तो यहां पे जानते हैं चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन ऑप्शन ऐसा है जो गर्मी को अवशोषित करता है रेफ्रिजरेटर अच्छा इसकी इफिशियंसी इसकी कार्य प्रणाली जो है निगेटिव है हाँ बिल्कुल आप जानते होंगे रेफ्रिजरेटर है हाँ चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं पूछा है सोडियम के उनहत्तर ग्राम के तीन मोल होते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होगा देखो मोल का सवाल आए तो परेशान ना होना मास अपान मोलर मास सुन लो बस क्या पूछा है परमाणु द्रव्यमान क्या है यानी मोलर मास पूछा हुआ है तो मोल mol, हाँ मोलर मास बराबर गिवेन मास कितना दिया उनहत्तर नंबर ऑफ मोल तीन तो दो तिया छह दो त्रिका नौ आराम है एन बराबर गिवेन मास अपान मोलर मास का, का कांसेप्ट याद रखना सही जवाब आ जाएगा बिल्कुल बहुत बढ़िया बिंदिया राजेश जी चंदन रंभारम्भ रंभा, हा बिल्कुल छोटी का भी सही जवाब है सनम यूनिक गर्ल का भी सही है पूछा है हीलियम के चौसठ ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हीलियम के चौसठ ग्राम में तो यहां पे नंबर आप मोल हीलियम का निकालेंगे तो गिवन मास अपान मोलर मास होता है क्या होता है गिवेन मास अपान मोलर मास अब गिवन मास कितना है तो चौसठ ग्राम है मोलर मास कितना है तो हीलियम का चार होता है चार एकम चार चार छ के चौबीस सोलह चौको चौसठ कैसे निकालेंगे गिवेन मास सपा टेबल ना याद होगा ना आसान सवाल गलती करके आओगे क्लास नाइन्थ के एनसीआर के सवाल ये है मूल से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है ये सवाल देखिएगा कैसा प्यारा सा सवाल ये सवाल जब मिलता है ना ऐसे सवाल गलती होते हैं आप कहते सर जी बता दिए होते ना कि ये सवाल आएगा अमोनियम क्लोराइड ये है बाबू अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं क्या कहते हैं नौसादर नौसादर में कितने परमाणु नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का चार क्लोरीन का एक चार और दो कितने हो जाएंगे छह राइट आंसर क्या हो जाएगा छ है ना बिल्कुल अच्छा हम तीन लगा दिए कहा तीन लगा दिए अच्छा आंसर आया तेईस हम लगा दिए तीन सॉरी 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 मेरे भाई सॉरी यहां आंसर तेईस ही आया था बेटा वो बिल्कुल आज आप लोगों के साथ इतनी खुशी है ना तो ये खुशी जो है बिल्कुल यहां परेशान करती है चलिए बताइए यहां पर क्या है निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं अगर परमाणु की संख्या गिनना है तो एक बार बताइएगा हाँ यहां पे कितना गिनेंगे एक दो और चार यहां पर तीन यहां पर दो एक कितना होगा भाई दो एक और चार यहां पे सात एक दो और दो यहां पर पांच यही होगा ना तो सब अब सबसे ज्यादा किसमें अम्ल में तो ऐसे करेंगे बी ऑप्शन आपका क्लियर है ठीक है पूछा है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारी उत्पन्न होते हैं आप जानते संभारी कब उत्पन्न होंगे इसका जवाब दीजिएगा अल्फा किरण बीटा किरण एक्स किरण या गामा किरण बीटा किरण इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एक्स किरण के खोजकर्ता कौन है रानजन है कौन है भैया रानजन है जो एक्स किरणों के खोज करता है अच्छा गामा किरण के खोजकर्ता कौन है बेकुरेल है बेकुरेल अल्फा किरण के खोजकर्ता कौन है अल्फा किरण क्या होता है पहले ये हीलियम का नाभिक है अल्फा किरण क्या होता है हीलियम का नाभिक तो यहां पे सही जवाब जो है बीटा किरण अगर किसी तत्व में से बीटा किरण निकलता है ना तो उस वो संभारी ही होता है जैसे मान लीजिए ये कोई तत्व है और ये कोई तत्व है इसमें से बीटा किरण निकलेगा ना तो जो नया तत्व आएगा उसका परमाणु क्रमांक एक बढ़ जाएगा द्रव्यमान संख्या समान द्रव्यमान संख्या समान का मतलब होता है संभारी आ एक अल्फा दो बीटा निकलेगा एक अल्फा प्लस दो बीटा निकलेगा तो जानते हैं क्या होगा एक अल्फा दो बीटा निकलेगा तो समस्थानिक बनेगा एक अल्फा दो बीटा निकलेगा तो क्या बनेगा समस्थानिक बनेगा संतोष कुमार जी कह रहे सर जी एक हम ए के वाले हैं मेरा क्लास नहीं चलता है। बिल्कुल चलेगा संतोष जी आप परेशान ना होइए अभी आप ही के कुछ भाइयों का आपको भी भरना चाहिए था देखिए जब तक ए एल की भर्ती नहीं आ रही है रेलवे की भर्ती नहीं आ रही है ये हाथ पे हाथ रख के नहीं ना बैठेंगे अगर कोई भर्ती आई है तो लग जाइए हो सकता है कि नसीब में एक और नौकरी हो तो एकदम लगे रहिए चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त पूछा है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है कार्बन डेटिंग प्रणाली की हाँ किसकी आयु निर्धारण करता है है कार्बन ठीक चलिए यहां पर क्या होने वाला है आप बताइए देखिए पौधे की आयु का निर्धारण कैंबियम के छल्ले से करते हैं कैम्बियम के रिंग से करते हैं किससे करते है? कैम्बियम के रिंग से क्लियर है ना लेकिन अगर हम कहें कार्बन डेटिंग की आयु का निर्धारण किसकी आयु का निर्धारण करेगा तो जीवाश्म का जीवाश्म का बिल्कुल अच्छा कार्बन डेटिंग में सी फोर्टीन इस्तेमाल होता है यह रेडियोधर्मी कार्बन है कैसा कार्बन है रेडियोधर्मी ऐसे ही जो ये होता है ना यह ट्राइटियम है यह भी रेडियोधर्मी हाइड्रोजन है रेडियोधर्मी हाइड्रोजन है तो भाई अगले सवाल के तरफ चलते हैं इसका जवाब देना आज गला जल्दी सूख रहा है कुछ तो बात है बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर छब्बीस कार्बन की तिथि के निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक 28 प्रयुक्त होता है ये क्या कह रहा है यार अट्ठाईस का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है ठीक है यहां पे देखिएगा कार्बन के तिथि के निर्धारण में कौन से समस्थानिक प्रयुक्त होते हैं तो ये डायरेक्ट ये डायरेक्ट दिख रहा है बाकी उसको छोड़ दीजिए ठीक है जो वो कहना चाह रहा है यहां पे पूछ रहा है मानव के शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं एक जवाब दीजिएगा तब तक मैं यहां पर एक सवाल और पूछ लेता हूं सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है जवाब देने चले हैं तो जवाब दीजिएगा सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है सबसे मजबूत हड्डी अच्छा ब्यूटी बोन किसे कहते ये भी जवाब दे दीजिएगा दोनों का ऑप्शन आप, आप चाहते हो तो ऑप्शन भी दे देते हैं सबसे मजबूत हड्डी आपके लिए एक का नाम है मैंडिबल और दूसरे का नाम है फीमर सबसे मजबूत हड्डी कौन है ब्यूटी बोन एक का नाम है स्कैपुला हिंदियों में स्कैपुले लिखा पड़ी और एक का नाम है क्लेविकल जवाब तो देना पड़ेगा यहां पर आप जानते हैं बबली याद रखना पड़ता है बी बी एल बोन को बोन से कौन जोड़ता है लिगामेंट बोन को बोन से कौन जोड़ता है लिगामेंट ये बोन है और ये भी बोन है तो बोन को बोन से कौन जोड़ेगा लिगामेंट जोड़ेगा है ना हाँ क्लियर अच्छा हम पूछ रहे कि यहां पर सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है तो मैंडिबल है अब ब्यूटी बोन किसको कहते हैं क्लेविकिल को इसको कंधे की हड्डी कहते हैं कंधे की हड्डी कहते हैं क्या कहते हैं कंधे की हड्डी याद रहेगा चलिए आगे चलते हैं जबड़ा मजबूत हां जबड़े की हड्डी मैंडिबल जो है जबड़ा की हड्डी है और निचले जबड़े की हड्डी है जबड़ा ठीक है पूछा है मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ने वाला उत्तक। ये सवाल जो है ना बड़ा फेमस है मांसपेशियों को हड्डी और हड्डी को मांसपेशी तो इसका जवाब आप ही दे दो इसका हाँ क्या होगा सही जवाब बिल्कुल चल यहां पर सही जवाब जो है ना उसको टेंडन कहते हैं कंडरा कहते हैं हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है बिल्कुल अच्छा अगर हम आपसे पूछ दे कि पसलियां कितनी होती है रिब्स कितने होते हैं रिब्स कितने होते हैं मेरे दोस्त अच्छा अगर हम रीढ़ की हड्डी पूछ दे रीढ़ की हड्डी तो रीढ़ की हड्डी 26 होती है और पसलियां 24 यानी 12 जोड़ी पसलियां कितनी होती है 12 जोड़ी याद रहेगा याद रहेगा ना अच्छा उर्विका ये फीमर है सबसे बड़ी हड्डी है सबसे बड़ी हड्डी है कैसी हड्डी है सबसे बड़ी हड्डी है याद रहेगा ना चलिए पूछा है गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं गुणसूत्र यहां पर देखिएगा, गुणसूत्र पूछा है किससे संबंधित होते हैं गुणसूत्र का काम क्या है तो आप जानते हैं कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो मनुष्य में छियालीस गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसमें से चौवालीस आटोसोम है और दो जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है आटोसोम आटोसोम आटो दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं और ये आपके सेक्स क्रोमोसोम है क्लियर है ना तो सेक्स क्रोमोसोम में एक्स वाई से मेल बच्चा लड़का पैदा होता है और एक्स एक्स से फीमेल यानी डाटर पैदा होती है बेटी पैदा होती है ठीक है क्लियर यहां पर अनुवांशिक लक्षणों के संचारण के लिए अच्छा जीन क्या होता है तो जीन जो होता है डीएनए का भाग होता है जीन क्या होता है तो डीएनए का भाग होता है ठीक है जीन हाँ। चलिए पूछा है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे एक पौधे का समझीनी जीनो टाइप टीटी -टी -टी है तो फिनो होगा देखिएगा ध्यान से इसको समझिए टीटी का मतलब क्या होता है ये देखिए इसका मतलब होता है बौना पौधा और इसका मतलब क्या होता है आर आर का मतलब ये देखिए आर मतलब गोल होगा एक भी आर हो गया तो गोल हो जाएगा तो डार्फ भी हो जाएगा डार्फ भी और साथ में राउंड भी हो जाएगा तो डार्फ के साथ क्या हो जाएगा राउंड तो डार्फ और राउंड हो जाएगा यानी बौना और गोल हो जाएगा क्या हो जाएगा डार्फ और राउंड सी ऑप्शन होगा बौना और झुर्रीदार कैसे झुर्रीदार के लिए डब्लू होता है रिंकल्ड होता है भाई नमस्कार सर जी हाल चाल बढ़िया है तैयारी वारी कैसी चल रही है आप लोगों की बढ़िया चल रही है तो बढ़िया चल रही थी सवाल का जवाब बताइए ना तैयारी बढ़िया चल रही है आप लोगों की अब तो एग्जाम पास में है एक तारीख वाले पूरी तरह से तैयार होंगे सर पे एकदम कफन बांध के या तो हम रहेंगे या तो कुछ नहीं होगा हम ही रहेंगे और क्या बहुत ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं एकदम मन से पढ़िए लगातार पढ़िए आराम से सोइए खाइए पीजिए एकदम एनर्जी के साथ तो क्या होने वाला है पूछा है बावन किलो में कितने अड़ु उपस्थित होते हैं तो नंबर ऑफ मोल बताओ गिवेन मास पान मोलर मास गिवेन मास कितना है बावन मोलर मास चार है चार एकम चार चारियां बावन क्या होगा काम बिल्कुल तेरा होगा एकदम हाँ जबरदस्त एनर्जी के साथ सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है ना वर्दी चाहिए कि नहीं चाहिए अच्छा जीवन में जोश जरूरी है ना वर्दी के बिना रह पाओगे इस बार लगा दें। देखो मैं ये नहीं कहता हूं कि वर्दी नहीं मिलेगी तो नदी समुद्र तालाब ढूंढने लोगों ना 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 ये जरूरी नहीं है मैं ये कह रहा हूं कि एग्जाम अगर सामने है तो अपना सब कुछ लगा देंगे मिलेगा तो भी ऊपर वाला जानता है कि जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए तो ऊपर वाला देने वाला है हमारे हाथ में मेहनत है हम मेहनत करेंगे पूछा है संख्या का क्या अर्थ है अवगाद्रो संख्या एक ग्राम परमाणु ग्राम परमाणु का मतलब होता है मोल ग्राम परमाणु का मतलब क्या होता है मोल यही सही जवाब है ध्यान दीजिएगा और एक मोल का मतलब होता है ना यहां पे 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री ये मतलब होता है इतनी संख्या होता है मतलब बिल्कुल तो इसका राइट आंसर यह है पूछा है कि नीचे दर्शाए नीचे नहीं बगल में दर्शाए गए नीचे दर्शाए गए चित्र में ये कौन सा किसका एक प्रतिरूप है ये बताइए डायोड है ट्रांजिस्टर है जेनर है पीएनपी पी है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना कहीं बीत ना जाए रहना जवाब दो बताइए क्या होने वाला है पूछा है देखिएगा जब भी धारा प्रवेश करता है धारा क्या करता है प्रवेश और जब धारा प्रवेश करता है ना तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और ट्रांजिस्टर का काम क्या है यहां पर तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है अच्छा जेनरल डायोड का यह सिंबल है पूछ लेता है तो यह जेनरल डायोड का सिंबल है तो आपको ट्रांजिस्टर का काम पूछेगा ना तो बता देना एम्पलीफायर के रूप में एम्पलीफायर के रूप में दूसरा क्या बताओगे दोलित्र के रूप में और तीसरा क्या बताओगे एम्प्लीफायर दोलित्र के अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास स्विच के रूप में स्विच के रूप में एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 के साथ साथ यहां पर 10 ओम दिया हुआ है पूछा है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़े हैं तो बताइए परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा तो आप सोचिए यहां पे बड़े धोखे हैं इस राह में बारह वोल्ट यहां पे चालीस ओम और यहां पे दस ओम इसीलिए मन से पढ़ना आ खूब आगे बढ़ना चालीस में दस जोड़ोगे तो कितना होगा पचास ओम तो आई का मान कैसे निकालोगे वी अपान वैसे आई पूछा नहीं है पचास बटा बारह पचास बटा बारह बारह चौको अड़तालीस होता है ठीक है तो यहां से धारा निकाल लेना यहां पर सवाल पूछा है तो आंसर पचास दे देना पचास दे देना है ना चलो तो अलग नेक्स्ट सवाल पूछा हुआ है क्या पूछा है एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसके प्रत्येक श्रृंखला में पच्चीस सोम के तीन प्रतिरोध हैं अच्छा पच्चीस सोम के तीन प्रतिरोध हैं और तीनों किस में जुड़े हैं श्रेणी में जुड़े हैं तो 25 ओम के तीन प्रतिरोध और तीनों श्रेणी में जुड़े हैं तो 25 गुड़े पच्चीस क्या होता है पचहत्तर होता है बोलो भाई क्लियर है कि नहीं आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे तीन गुड़े पच्चीस यानी पचहत्तर या तीनों को जोड़ दो अच्छा अगर हम ऐसे दे दें राम जी बताओ बाबू यहां पे 16 ओम है यहां पे चार ओम है आर इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा ऊपर करना है गुड़ा नीचे करना है जोड़ व्हाट इज द राइट आंसर बताइए भैया चार ओम ऊपर सोलह गुड़े चार नीचे सोलह प्लस चार तो क्या होने वाला है सोलह चौको चौसठ होता है सोलह चौको कितना होता है चौसठ होगा और नीचे बीस है है ना नीचे कितना है बीस तो जीरो से जीरो दो या छह क्या आंसर आएगा अच्छा एक मिनट एक मिनट गलत हो गया भाई गुड़ा मैं यहां पे गलत लिख दिया चौसठ बटा बीस तो यहां पे आ जाएगा तीन दशमलव दो तीन दशमलव दो सॉरी तीन दसमलव दो ठीक है हाँ पूछा है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है देखिए ऐसे कह रहा है तो ये कौन सा क्रम है ऐसे जब कहेगा तो कौन सा क्रम देखोगे तो ये समानांतर क्रम है समानांतर क्रम और समानांतर क्रम में क्या होता है धारा कम होता है धारा ज्यादा होता है और विभव प्रतिरोध कम होता है धारा ज्यादा प्रतिरोध क्या होता है कम ठीक है तो दो या दो से अधिक प्रतिरोध को यहां पर समानांतर हो जाएगा क्या हो जाएगा समानांतर ठीक है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अच्छा जी हमको तो लगता है आप लोग ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं यह भी तो हो सकता है कि आप ही कमाल के हों ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग कमाल के ना हो और जब आप कमाल के होंगे तो हम तो कमाल के हो जाएंगे बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा यहां पे भी बता दो दोनों में बताओ यहां पे छह ओम है यहां पे तीन ओम है दस की एनसीआरटी का सवाल है बताइए क्या होने वाला है इन दोनों सवाल का जवाब दीजिएगा एक दो लोगों को ब्लॉक करना जरूरी था बस ठीक है अब आइए जल्दी से आप लोग जवाब क्या होने वाला है ऊपर गुड़ा करेंगे नीचे जोड़ देंगे बहत्तर बटा अठारह और यहां पे क्या होगा हो जाएगा यहां पे चार ओम होगा यहां पे दो ओम होगा अच्छा भैया मानस आलम जी बहुत बहुत धन्यवाद है यहां पूछा है किसी व्यक्ति के पास पांच प्रतिरोध है जिनमें से प्रत्येक का मान एक बटा पांच है जोड़कर प्राप्त किया गया अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा सारे के सारे किस में जोड़े जा रहे हैं अधिकतम प्रतिरोध हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं अधिकतम प्रतिरोध किसमें जोड़े जाते हैं श्रेणी में तो आर इक्विवेलेंट का मान कितना होगा एक बटा पांच में पांच का गुणा कर दो एक ओम आ जाएगा कितना होगा एक ओम हो आ जाएगा बोलो क्लियर है कितना होगा एक ओम हो आ जाएगा पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित कौन नहीं करेगा तो प्रतिरोध में मुख अब देखे प्रतिरोध को प्रभावित तापमान करेगा लंबाई करेगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल करेगा लेकिन दाब कभी भी प्रभावित नहीं करने वाला है बिल्कुल एकदम भैया बोलो चलिए अगला सवाल पूछा हुआ है कि यदि दस आठ सात के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो क्या होगा जब भी श्रेणी कहेगा तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट प्रतिरोध जुड़ता है प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है बढ़ जाता है सात आठ पंद्रह दस पच्चीस न्यूटन नहीं होगा पच्चीस ओम होगा न्यूटन नहीं होगा क्या होगा डी ऑप्शन होगा पच्चीस ओम क्लियर कोई डाउट तो नहीं सबका क्लियर है पूछा है प्रतिरोधकता के ब्यूतक्रम को क्या कहते हैं अब प्रतिरोधकता क्या होती है देखिएगा यह होती है प्रतिरोधकता के ब्यूतक्रम को हम चालकता कहते हैं क्या कहते हैं चालकता और इसका मात्रक क्या हो जाता है प्रति ओम प्रति मीटर यानी हो जाता है महो पर मीटर यह ये, ये चालकता है बोलिए क्लियर है अगला सवाल पूछता है क्या पूछता है अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं तो अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में आप जानते होंगे जिन माध्यम हा कड़ तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं तो लिखा इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं यह ऑप्शन है और इसी में श्रृंग और गर्त बनता है और और टर्फ बनता है। और बनता है है श्रृंग गर्त अच्छा ये समानांतर दिशा में जब कंपन करे ना तो इसको अनुधैर्य तरंग कहते हैं और अनुधैर्य तरंग की उदाहरण क्या होता है थोड़ा बता दो अनुधैर्य तरंग का उदाहरण क्या होता है थोड़ा कमेंट करके बताओ क्या होगा बिल्कुल बिल्कुल डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा चलिए क्या होने वाला है पूछा है हां यहां पे देखिएगा इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या होगी एक राकेट 20 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर गति से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यात्रा करता है तो यहां पे जब दूरी निकालेंगे तो 20 गुड़े हा बीस गुड़े पैंतीस हाँ, तो यहां पर कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा 700 मीटर दूसरी बात कह रहा है दूसरा फेज देखिएगा कह रहा है एक राकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से गति करता है तो जब वेग फिक्स है 20 मीटर पर सेकंड तो 20 मीटर पर सेकंड से 700 मीटर की ऊंचाई पर तो चला जाएगा लेकिन जब स्वतंत्र रूप से गिरना होगा तो आप जानते हैं कि h बराबर देखिएगा एक फार्मूला आपको पता होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जीएच होता है तो जब प्रारंभिक वेग क्या हो शून्य हो या अंतिम वेग क्या हो शून्य हो तो एच बराबर क्या होता है यू स्क्वायर तो यहां से यू स्क्वायर टू जी तो यहां से निकालेंगे तो आंसर आएगा बीस मीटर तो सात सौ में बीस जोड़ देंगे सात सौ बीस आंसर होगा क्या होगा सात सौ बीस ठीक है चलिए हाँ बिल्कुल भैया रेलवे वालों के लिए एकदम बढ़िया रहेगा एक सवाल और देखिएगा कुछ न्यूमेरिकल आया हुआ है एक गेंद को चालीस मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है छह सेकंड बाद उसका विस्थापन का परिमाण कितना होगा 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो ऐसे निकालने के लिए कहा है तो यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर ऊपर की ओर फेंका जाता है चालीस मीटर तो चालीस गुड़े छ माइनस वन बाई टू जी का मान दस है 6 छो पचे दस छो चौबीस चो दो सौ चालीस और छछा के छत्तीस एक सौ अस्सी कितना आ जाएगा साठ मीटर तो ये ऐसे सवाल का डायरेक्ट जवाब निकाल दीजिएगा साठ मीटर आंसर बहुत बढ़िया अंकुश राज ऐसे ही जवाब देते रहो चलिए अगले सवाल यहाँ पे लगातार न्यूमेरिकल कुछ बचे हुए हैं लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग करा देता हूं यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी से गुना अधिक हो जाए तो हाँ गुरुत्वाकर्षण बल, बल का फॉर्मूला यह होता है एफ बराबर जी कैपिटल स्मॉल एम, एम अपॉन आर स्क्वायर यह होता है लेकिन अगर हम कहें कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दो वस्तुओं के बीच की दूरी आर है और कह दें कि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी छह गुना अधिक हो जाए दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या हो जाए गुना अधिक हो जाए यानी सिक्स आर हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा तो आप जानते हैं कि अधिक हो जाए तो एक बटा छत्तीस हो जाएगा दूरी के बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है और गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है सी एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है अब u से ऊपर फेंका जाता है तो h का मान निकालना होगा तो यू स्क्वायर अपान टू जी जब ऊपर फेंका गया है और t निकालने के लिए कहे तो u अपान जी ये दोनों फार्मूला मास्टर फार्मूला है याद रख जब किसी गेंद को ऊपर फेंका जाए ऊपर फेंका जाए तो क्या होगा इस तरीके से निकालेंगे ठीक है और किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच देखिएगा अगर कोई दो वस्तु है तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल क्या होगा दो वस्तुओं के बीच लगने वाला अगर द्रव्यमान है तो लगने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल की बात किसने की है तो न्यूटन ने अच्छा न्यूटन ने कौन सी किताब लिखी थी भाई तो न्यूटन की किताब का नाम है प्रिंसिपिया कौन सी किताब लिखी थी प्रिंसिपिया और इसी किताब में इन्होंने न्यूटन का न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था कई कई बार जी और कैपिटल जी का रिलेशन पूछता है तो ऐसे बता देना ठीक ना अच्छा अगर आपसे कहेगा प्रक्षेप्य वेग यानी पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है तो टू जी होता है और पृथ्वी के लिए ग्यारह किलोमीटर पर सेकेंड होता है तो बता दो चंद्रमा के लिए पलायन वेग क्या होगा चंद्रमा का पलायन वेग चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग क्या होगा चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग किसी को याद हो तो बताए चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग कितना होगा दो दशमलव चार होगा बहुत बढ़िया चार दशमलव दो बता रहे हैं सब एक दो ठीक है और ये आखिरी सवाल है क्या है एक अचल स्थान से चलकर सोनी की वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है अचल का मतलब होता है यू बराबर जीरो साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए देखो त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की समय दर को तो आप निकाल लीजिए कितना होगा वेग परिवर्तन अंतिम वेग 6 है प्रारंभिक जीरो है समय 30 है तो 6 बटा तीस कितना होगा एक बटा पांच एक बटा पांच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक बटा पांच यानी पांच दुना दस बंका जिला से और आप सभी का अच्छा अच्छा बंका बंका जिला जो है हाँ एक कोई जगह है मुझे याद है बिहार में एक बार हमको जाना हुआ था बरौनी बरौनी कोई स्टेशन है बहुत सुंदर स्टेशन है उसके बाहर हम रुके थे बहुत प्यारा चाय एक एक दो बच्चे मिले थे वहाँ पे ठीक ना लगभग दो साल हो चुके हैं बहुत मज़ा आया था वहाँ पे तो बरौनी हाँ हमको लग रहा है बेगूसराय के समीप पड़ता है तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वो याद है वो यात्रा भी याद है तो चलिए यहाँ पर कौटिल्य बैच के बारे में बता दें कि ये कौटिल्य बैच अभी तीन सौ निन्यानवे रुपए में यानी चौबीस सितंबर तक ये उपलब्ध है कल तक तो इसको ले लीजिएगा बिहार एस एस सी तो इसका रेट बढ़ जाएगा ये रेट हो जाएगा चार सौ निन्यानबे सौ रुपए फिर आप परेशान होंगे तो यहाँ पे बी एस ट्वेंटी कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एम डी का ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा सुन लीजिए जिसको पीडीएफ चाहिए अभी इंस्टॉल कर ले नाम नंबर रजिस्टर कर ले फ्री में मिलेगा क्लास नोट्स पीडीएफ में सारे पीडीएफ बलवान सीरीज के सारे और सुबह किताब वाले भी सारे यहां पे मिल जाएगा सर हम भी बांका जिला से ही अच्छा अच्छा बहुत बड़ू हाँ जल्दी खत्म हो गई तो याद रखना अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना है तो आप अभिषेक सर एम डी क्लासेज को हाँ अभिषेक सर एमडी क्लासेज को सर्च कर लीजिएगा एमडी क्लासेज का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एम डी क्लासेज ऑफिशियल भी सर्च कीजिएगा बिल्कुल तो चलिए आप सभी को नमस्कार है और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल की ये रात की क्लास जो थी आज बलवान सीरीज थी और इसके बाद आपको एक नई सीरीज देखने को मिलने वाली है विजय श्री मैराथन सोमवार को दोपहर सुबह दस बजे से मिलेगा और सोमवार की सुबह दस बजे संपूर्ण बायोलॉजी फिजिक्स और लगभग आधा केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनवा चुके आधा केमिस्ट्री बचा है संपूर्ण है और बहुत ही ताकतवर पेपर होगा तो वो आके देखिएगा वो ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन बनाए तो बिहार ए, अगर हम वहां पे लगभग 400 से ऊपर क्वेश्चन आपको करा रहे होंगे साइंस के आ, तो याद जुड़ना ना भूलिएगा उसमें सब कुछ है न्यूमेरिकल है बाकी चीजें भी हैं तो ये सोमवार को होने वाला है तो पूरी एनर्जी के साथ बने रहेगा तो चलिए इसी के साथ सभी को जय हिंद फिर मिलते हैं ठीक है